अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इन्वेस्टर्स लाउंज इन्वेस्टर एजुकेशन शो। वीक का आगाज़ हुआ आज, पहले ही दिन हमने देखा कि मार्केट के अंदर प्रेशर नज़र आ रहा है। टुडेज शो इज़ वेरी स्पेशल। आज मेरे साथ ऑनलाइन होंगे अरसलान अहमद, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं जे एस ग्लोबल से इनका ताल्लुक है। खास तौर पर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट सीमेंट सेक्टर, रिफाइनरीज एंड उसके साथ साथ स्टील सेक्टर। इनके ऊपर किसी को कोई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस देने वाला बड़ा मुश्किल से मिलता है in analyst community, and I purposefully took Arsalan online today ke main ke sath khas taur pe in sectors ko discuss karu. One of the very bright individuals main unko sath apne line pe lunga, but before that nazreen, you should start sharing our show. Main announce karta hu last show ke winners ko jinhone hamara program share kiya and they won 1 month membership of investors lounge. Unke andar abdul sattar hain, abdul salim murki hain, mehran टूनियो हैं, अब्बास खान बिल हैं, रहीम जुल्फिकार अली हैं एंड अहमद हफीज कुरैशी हैं। इनको हम कांटेक्ट करेंगे फेसबुक के मैसेजर पे और हमारी टीम कांटेक्ट करके इनको सब्सक्रिप्शन भिजवा देगी। यू शुड स्टार्ट शेयरिंग द शो बिफोर, लेट मी सी इफ आई कैन कनेक्ट विद अरसलान राइट नाउ, बट बिफोर ही कम्स ऑनलाइन, आज आपने देखा कि जो साइक्लिकल्स थे उसमें प्रेशर नजर आया और उसके साथ साथ वो स्टॉक्स जो कि अच्छे खासे चल चुके थे 2 हफ्ते में रैली के अंदर, उनमें हमने देखा कंसिस्टेंट आज प्रेशर नजर आया। एंड मगर मार्केट का सेक्टर वाइज ऑल शेयर इंडेक्स का जायजा लें। आई थिंक आई हैव अरसलान विद मी ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। अस्सलाम, हाउ आर यू बाकर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाज़रीन, वी कैन स्टार्ट द एनालिसिस। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जे एस ग्लोबल वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेज इन पाकिस्तान एंड अरसलान इज माई पर्सनल फेवरेट इन दिस इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही कम उम्र में बहुत ही रिमार्केबल एनालिसिस पेश करते हैं और थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी कॉल लेने के लिए मशहूर हैं। तो अरसलान, अगेन मैं कोई ऐसा नहीं, क्योंकि मैं 50 रिपोर्ट्स पढ़ रहा होता हूँ पूरी इंडस्ट्री की, सो आई फाउंड यू टू बी वेरी डिफरेंट एंड यू विल गो अ लॉन्ग वे। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द मार्केट एनालिसिस, अगर मैं इन्वेस्टर्स से आज पहले सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स कंसर्न है अबाउट सीमेंट्स, क्योंकि सीमेंट्स उस वक्त बजट के वक्त जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसिमिस्टिक थे तो काफी लोगों ने शॉर्ट किए हुए थे, और बजट के बाद ऑल्दो पीएसजीपी में कहा कि कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आई है और वही रखा गया है, लेकिन हिस्टोरिकली रहा यह है कि वो कट होता है बजट उसका जब भी दूसरे एक्सपेंडिचर्स दूसरी इनकम साइड से या टैक्स कलेक्शन उतनी नहीं आ पाती। तो सीमेंट्स के बारे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आर रियली कंसर्न। सो इन्वेस्टर्स, यू कैन स्टार्ट शेयरिंग द शो एंड स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट cyclicals. सीमेंट से मैं पूछना चाहूंगा कि how do you view this sector right now? देखिए, इसमें जो सिंपल सी चीज है ना सीमेंट की इसका आज करें कि इसको एक एक जो लेमैन जो इन्वेस्टर है ना उसको बार बार सोचता होगा कि जो बैग की प्राइस है वो क्या हो गई है, बैग की प्राइस बढ़ रही है, इसी पे बेसिकली आजकल जो सारी की सारी सीमेंट सेक्टर की मूवमेंट होती है वो बैग की प्राइस पे होती है कि सीमेंट बैग की प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, ज्यादा हो गई, उसी पे सीमेंट स्टॉक जो है वो मेनली मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि मतलब बैग की प्राइस कितनी हो तो हम बोले कि एक्चुअली ये जो सीमेंट है, हाँ एक्चुअली वो बैग की प्राइस आ गई जहाँ पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आना छोड़ गई। तो देखिये, बहुत आसान सा जो है समझने का इसका तरीका है, इसको इस तरह से ले लें कि जो मेनली कंपनीज है ना इसमें दो क्या नाम है कैटेगरीज हैं इस वक्त ना सीमेंट सेक्टर में, जो आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर लें सीमेंट सेक्टर को कंपनी के उसमें, एक है हाई लेवरेज कंपनीज है, ठीक है, और एक लो लेवरेज कंपनीज है। तो मेनली जो हाई लेवरेज कंपनीज है उसमें टॉप टेयर पे ना चिराट आती है जो कि सबसे हाईएस्ट समझ लें जो लेवर्ड, इसके बाद फिर मेपिली पीजी एंड पाइनियर कुछ 7-8 महीने के बाद सेम कैटेगरी में आ जाएंगे। दूसरी साइड पे आती है वो सिर्फ पहुंची और फिलहाल क्या नाम है लकी आती है और उसके साथ कुछ कुछ कुहाट आप उसको ऐड कर लें। तो ये तीन चीजें फिक्स्ड हैं, सही है, ये जो बाकी के रिमेनिंग जितने भी बचते हैं ना ये काफी ज्यादा वल्नरेबल है कोई भी अगर प्राइस चेंज होती है उसके हिसाब से। अच्छा, अब जो बैग की प्राइस आ गई कि इसको समझना किस तरीके से इन्वेस्टर को कि बेसिकली प्राइजेस तो बढ़ रही है, बट होता ही है कि सिचुएशन इस तरह से कि प्राइसेस बढ़ भी रही हैं, कम भी हो रही हैं, वो करेक्शन दे रहा है, कभी स्टॉक रैली कर रहा है, पर तो उसमें इन्वेस्टर बेसिकली कोई रिटर्न बना नहीं पा रहे हैं। तो उसको आसान सा तरीका ये है कि जो फर्स्ट ईयर में है ना जो हाई लेवल जो कंपनीज है उसमें जो उनका ब्रेक इवन है ना मोर और लेस अभी वो तकरीबन 610 to 620 के करीब उनका ब्रेक इवन आ गया।
इसको बहुत आसान तरीके से समझने का, ठीक है ना। ये मेनली नॉर्थ की प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली समझ लें जो हमारी कैटेगरी है वो नॉर्थ के प्लेयर्स की है, सिर्फ एक अटक सीमेंट और पावर तो चले उसको अभी हटा दें। अटक सीमेंट मेनली से वैसा है जो कि साउथ में सोल्डिंग काम करता है, तो बाकी तो सारे मेनली नॉर्थ में है, ठीक है। तो तकरीबन 610 टू 620 के करीब ना इन लोगों का इनका भी ब्रेक इवन है, ठीक है। एज अगेंस्ट जो लकी और फौजी है उनका जो ब्रेक इवन है वो 550 के करीब होगा, ठीक है ना। अभी जो बैग की प्राइस है ना वो बैग की प्राइस तकरीबन ऑन एवरेज 520 के करीब है आपका नॉर्थ रीजन में, ठीक है ना। तो स्टिल वे बिलो देयर इवन ब्रेक इवन पॉइंट्स, ठीक है ना, जो कि उनका ब्रेक इवन ही समझ लें आप 610 के करीब है 620 चराट के केस में। तो अभी इनको बहुत लंबा जाना है, मीन्स प्राइस इंक्रीज अभी काफी सारे लोग इनको करने पड़ेंगे सिर्फ स्टिल अपने ब्रेक इवन लेवल पे आने के, ठीक है ना। तो इन्वेस्टर्स के लिए अभी यही है कि कॉशियस रहे, इस तरह की जो ट्रेडिंग हो रही है लैकलस्टर मीन्स 3-4 दिन एकदम से सर्किट ब्रेक अपर सर्किट हिट हो जाता है, स्टॉक्स का 3-4 गैप लग जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कॉशियस ही रहे क्योंकि स्टिल अभी सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है। पहली चीज, दूसरी चीज, जब ये प्राइजेस और मजीद पड़ेंगी तो डिमांड ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक है, तो फर्दर वो वीकेंड हो जाएगी, ठीक है। और इनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है जो जैसे जैसे हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है उस चीज का, तो जो भी डोमिनेंट प्लेयर्स हैं जो कि सीमेंट्स को यहाँ से जैकअप कर रहे हैं प्राइसेस को, वो इस एक्सपेक्टेशन पे कर रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं उसमें अगले 2 से 3 हफ्तों में इजाफा मुतवक्के है, जिसको लेते हुए वो यहाँ से बिल्डअप कर रहे हैं। और क्योंकि FED को भी एडजस्ट करना है, उसके साथ साथ अब सीमेंट्स ने कार्टेल हो ना हो उन्होंने अपनी रिटेल प्राइसेस को उस लेवल पे लाना है ताकि कम से कम वो ब्रेक इवन कर सकें। अगर तो ये एक रिस्क अपसाइड का मटेरियलाइज होता है तो उस वक्त भी डू यू फील, जिस तरह आपने बताया कि डिमांड इतनी है कि वो ये प्राइस मेंटेन कर पाएंगे, बिकॉज सीमेंट्स में हमने गुज़िश्ता 7 से 8 महीनों में यही देखा है कि प्राइस इंक्रीज करते रहते हैं और प्राइस पर डिक्रीज खुद ब खुद होती रहती है डिमांड की वजह से। बिल्कुल, देखें जो अभी फिलहाल जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं ना वो बेसिकली है ये, अगर ये प्राइसेस बढ़ भी जाएंगी ना, मैं इन्वेस्टर्स के लिए अभी बात कर रहा हूँ, ये प्राइसेस अगर बढ़ भी जाएंगे ना तो ये प्राइस सस्टेन नहीं कर सकेगी। एक तो पहले ही जो प्राइसेस के बढ़ा रहे हैं ना उसमें कोशिश ये है कि 585 का रेट हो जाए, ठीक है ना। 585 पे भी ये आप समझ लें कि ये ब्रेक इवन से नीचे है, मेनली सारे प्लेयर्स ही मोर और लेस ब्रेक इवन से नीचे अपार्ट फ्रॉम लकी एंड फौजी, ठीक है ना। तो अगर 585 की एंटिसिपेशन पे स्टॉक्स बढ़ भी रहे हैं तो आप सोचें कि 585 पे भी जाके अगर वहाँ पे सस्टेन भी कर गई, जो कि सस्टेनेबिलिटी भी मुश्किल है, सस्टेन भी कर जाती है तो उधर भी क्या नाम है कोई इन कंपनीज के लिए कोई बेनिफिशियल है नहीं, स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए तो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि हम लोग तो अर्निंग पर शेयर देख रहे होते हैं या अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है हमें उससे कंसर्न होता है। कंपनीज को ऑब्वियसली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कंसर्न नहीं है, उनको जाहिर है कि उनका एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट निकल रही है, वेरिएबल कॉस्ट से ओवर एंड अबव जितना आ रहा है उनका वो प्रॉफिट है और कैश में मीन्स कैश अर्निंग उनकी आ रही है, तो वो फिर भी वहाँ पे वो कंफर्टेबल होते हैं। बट जाहिर है इन्वेस्टर को तो EPS से कंसर्न होता है, तो वो EPS स्टिल आने में आप अगर बहुत इजी आप ऐसा समझ लें कि अगर आप मुझसे पूछे ना कि अरसलान बैग का वो कौन सा रेट होगा जिसपे तुम बोलो कि यार हाँ यहाँ से अब क्या नाम है ये रिवर्सल ठीक ठाक वाला अब यहाँ से बन सकता है, तो वो मेरे ख्याल से 700 रुपए के बैग का एटलीस्ट आज के दिन पे रेट होगा। अब आज के डॉलर पे और आज के प्राइस पे सब पे वो 700 का होगा कि वहाँ पे थोड़ी सी यहाँ से अपसाइड बन सकती है जो कि लेजिटिमेट होगी, ठीक है। सो 700 स्टिल इज अ फार फेच्ड आइडिया जो कि अभी भी यहाँ से बहुत गुंजाइश मौजूद है, पोर्टफोलियो रीएलोकेशन हो रही है। जो स्मार्ट मनी है वो साइक्लिकल से निकल रहा है बैंक्स के अंदर और डॉलर हेज्ड कंपनीज के अंदर जा रहा है, इज दैट करेक्ट? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि सबका व्यू अभी फिलहाल यही बन रहा है। अब जो गुजर के जो कमिंग ईयर आ रहा है उसमें ये दिख रहा है कि अभी फिलहाल जो है वो इम्बैलेंस मौजूद है, मींस कि हमें जितनी पेमेंट्स करनी है उसके अगेंस्ट में हमारे पास इतनी जो है वो डॉलर नहीं है मौजूद, तो जाहिर है जब इम्बैलेंस खड़ा हुआ होगा तो हम फर्दर काफी ज्यादा डेप्रिसिएशन देख सकते हैं अपने रुपी में। तो इसी की वजह से क्या नाम है साइक्लिकल स्टिल लोगों की लाइकिंग नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्वेस्टर्स के लिए ये भी बहुत समझने की चीज है कि
अगर जो कैट के नंबर्स दिए हैं, जो जो गवर्नमेंट ने हमें जीडीपी की ग्रोथ का नंबर दिया, जो इन्फ्लेशन का नंबर दिया, इन चीजों से अभी जितनी डिमांड है उससे भी कहीं ज्यादा वीक हो जाएगी डिमांड। तो आप सोचें, इस वक्त जो डिमांड है वो ऑलरेडी मीन्स काफी वीक है, तो फर्दर वीकनिंग दिख रही है। क्योंकि जो स्पेशली हम अगर अपने मॉडल्स में भी वैल्यूएशन करते हैं, तो उसमें हम जीडीपी को एज अ फैक्टर यूज कर रहे होते हैं डिमांड ड्राइवर के ना, और ठीक है जीडीपी हमारा खास फैक्टर होता है। तो अगर जीडीपी रेट ही हम जहाँ पे 5.5% का यूज कर रहे थे पिछले सालों में, वो 2.4 या 2% पे हम लोग 1.8 पे ले आएंगे, तो आप सोचे डिमांड वैसे ही खत्म हो जाएगी, फिर इन्फ्लेशन अलग, फिर प्राइसेस का इंक्रीज अलग। तो पूरा जो है वो स्लो डाउन काफी ज्यादा दिख रहा है कमिंग ईयर्स में। और इसके साथ साथ जो मजीद इस पे समझ लें और जो प्रॉब्लमेटिक है इनके लिए, वो जो आगे दिसंबर तक जो कैपेसिटीज आ रही है बैक टू बैक, वो काफी ज्यादा है। इस इतनी इतनी बड़े क्वांटम में मीन्स ऑलमोस्ट कोई समझ लें आप 10 मिलियन टन के करीब की कैपेसिटी ऑनलाइन आ रही है, एज अगेंस्ट 60-65 मिलियन टन की अभी टोटल सप्लाई है, उसके ठीक अगेंस्ट में है 10 मिलियन टन की ऑलमोस्ट कैपेसिटी ऑनलाइन आ रही है, जो कि बैक टू बैक बिल्कुल करीब करीब आ रही है। ठीक है तो वो जाहिर है उस वक्त स्टेबिलिटी लाना मार्केट में काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अगर थोड़ा सा पोर्टफोलियो का डाटा नाजरीन के साथ, नाजरीन यू कैन शेयर आवर शो एंड यू कैन विन द एक्सेस टू द प्लेटफॉर्म फॉर अ मंथ। एंड आपको अगर और फर्दर डिटेल्स चाहिए हो अरसलान से, तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिएगा, हम उनको इनकी डिटेल्स आपको दे देंगे। सो दैट यू कैन कांटेक्ट प्रोबेबली, इफ यू लाइक हिम देन यू कैन प्रोबेबली ओपन एन अकाउंट विद जेएस ग्लोबल और उनके साथ फर्दर बिजनेस कर सकते हैं। तो विजय, अगर अरसलान में देखूं तो गुज़श्ता जो 4-5 ट्रेडिंग सेशन थे उसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और ब्रोकर प्रोप्राइटरी वॉज ड्राइविंग द अपसाइड इन सीमेंट सेक्टर अलॉन्ग विद म्यूचुअल फंड्स। लेकिन आज जाके ब्रोकर प्रोप्राइटरी हमने देखा कि सेलर है, नेट सेलर है, और आज म्यूचुअल फंड्स ने सिर्फ बाई किया है, लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैव कम टू सेलिंग ऑन ऑन सीमेंट्स। तो इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस अगर मैं दिखाऊं अपने नाजरीन को, अगर इनके चार्ट्स पे देखें तो आज तमाम तरी कैंडल स्टिक्स अगर देखें तो वो वीक बनी है, जो कि इधर शो कर रही है प्राइस रिजेक्शन या फिर बुलिश मोमेंटम का वीक पड़ जाना शो कर रही है, और क्लोज क्लोज सारी प्राइसेस अपने 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब आ गई है। अगर हम सिंगल स्टॉक का भी एनालिसिस करें तो एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पैदा हो गई है, ओवरऑल इंडेक्स के अंदर भी यहाँ पे इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। सो बुल्स की तरफ जो आर्ग्यूमेंट है जो गुज़श्ता एक हफ्ते से बनता चला जा रहा था, वो प्रॉब्ली इज गेटिंग वीक। बिकॉज एक एक हमेशा प्रॉब्लम ये होती है अरसलान, के रिसर्च एनालिस्ट का एक अपना क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे एक ओपिनियन होता है, लेकिन समटाइम्स प्राइसेस उसके बिल्कुल ऑपोजिट मूव कर रही होती हैं। सो देयर इज ऑलवेज एन एनोमली जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स बड़े घबरा जाते हैं, और फिर वो लेट रैली के अंदर जब रैली वेन पड़ रही होती है ज्वाइन कर लेते हैं उसको, और हिस्टीरिया के अंदर बाय कर लेते हैं, एंड इवेंचुअली फंडामेंटल्स एक्चुअली स्टार्ट शोइंग अप राइट आफ्टर दे हैव बॉट द स्टॉक। बिल्कुल ऐसे ही होता है। बिल्कुल देखें, इसमें अभी जो सिचुएशन आपने जो बताई है ना, बहुत अच्छी ऐसी हुआ है कि इंडिविजुअल्स ने और बेसिकली ब्रोकर्स बायर्स थे काफी दिनों से, कैप लगे हैं स्ट्रेट और देन म्यूचुअल फंड, उसके बाद उन्होंने एंड में ज्वाइन करा है और वो अब बायर आए, तो बाकी सब सेलर है। तो उसमें इन्होंने हुआ यही है कि जब प्राइस इंक्रीज स्टार्ट हुआ और एंटिसिपेशन थी कि प्राइस इंक्रीज काफी सारे एक्सपेक्टेड है, तो इसमें अब कल एक प्राइस इंक्रीज एक्सपेक्टेड है जो कि 20 रुपीज का है, 15-20 रुपीज का है। तो अब जो सिचुएशन हुई है ना, इसी बेसिकली एंटिसिपेशन पे बढ़ रहे थे इतने दिनों से, तो अब वो सेल ऑन न्यूज वाली कहानी अब समझ लें वो स्टोरी अब इमर्ज हो रही है कि सही है, जिस न्यूज पे बेसिकली बाय करे थे अब वो न्यूज कल आ रही है, तो उसपे थोड़ी सी पहले से प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो गई, तो सही है। तो बस अब हमें वही देखने में आ रहा है, वही बेसिकली समझ में आ रहा है ठीक है, फिलहाल। सो बेसिकली जनरली जो हम इन्वेस्टर्स आप देखते हैं कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज, तो न्यूज बिल्कुल कल आ रही है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कि आपको ये देखना है कि क्योंकि ट्रेड की दूसरी साइड पे बहुत ही इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट है, आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी चार्ट्स के बारे में और प्राइस मोमेंटम के बारे में और क्वार्टरली अर्निंग एक्सपेक्टेशन के बारे में, डिमांड आउटलुक के बारे में उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपको ट्रेड के दूसरी साइड पे जो बंदा बैठा हुआ है उसको बीट करना है तो। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आपने डिसीजन ले लिया और आपने प्रॉपर वर्किंग पे प्रॉपर किसी से किसी ने आपको गाइड किया है, तो आप फिर उस पर थोड़ा सा स्ट्रिक करें, थोड़ा बैठे 2-3 दिन कि अगर कैप लगता है, 2-3 स्ट्रेट कैप लगता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि फंडामेंटल बिल्कुल ही चेंज होगा सीमेंट से, कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है। और हमारे हिसाब से जो लास्ट इन्होंने सीमेंट से लो बनाया, तो शायद वो भी इस दफा कम ही लग रहा है, अगला तो लो होगा मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा होगा जितना इस दफा इन्होंने लो बनाया, क्योंकि सिचुएशन जो है वो आगे और खराब ही हो चुकी है। सही है सही है। तो सीमेंट्स का तो हमने बड़ा डिटेल में कर दिया। नाजरीन यू कैन शेयर आवर प्रोग्राम राइट नाउ
and probably you can win the chance to get our elite membership for a month for free. आप अपने सवालात हमें पूछ सकते हैं comments के अंदर करते रहिए before we move forward. इसके साथ साथ Arsalan, you also cover a refinery sector. So refineries का जो हाल है वो 2017 से बहुत बुरा है. तो अगर refineries का मैं overall जिस तरह अभी मैंने cement का refineries की मैं आपके ना जो भी viewers हैं उनके लिए refineries most complicated mineral sector है भी लगता भी है और क्या नाम है तो investors को तो basically समझ में ही नहीं आता. उसकी movement भी कुछ इसी तरह से होती है especially attack refinery पे. हम इसमें stick करते हैं attack refinery और national refinery पे. पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो ऐसे समझ गए इतनी कोई खास उसका प्रोस्पेक्ट है नहीं तो उसको तो वैसे ही इन्वेस्टर को इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए उसमें. सही है, बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गई है वो. अच्छा, रिफाइनरीज में हम नेशनल रिफाइनरी अटक रिफाइनरी की बात करेंगे. देखिए इसमें ना बहुत सारी चीजें हुई हैं कुछ लास्ट 1 to 2 years में ना. इसमें सबसे पहली जो मोस्ट इनके लिए इम्पोर्टेंट चीज जो समझ लें मोस्ट नेगेटिव भी बोल रहे हैं इनके लिए जो हुई वो फर्नेस ऑयल वाला जो पूरा एक केस बिल्ड अप हुआ है और पूरा जो इनके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है फर्नेस ऑयल की एक सबसे पहले हुआ है. मैं वन बाय वन पहले प्रॉब्लम बता देता हूँ कि इनको है क्या उसके बाद मैं एक और थोड़ा समझाइएगा भी कि ये है क्या प्रॉब्लम. बिल्कुल मैं सही से समझाऊंगा और नेक्स्ट टाइम ताकि आपके व्यूअर्स के सामने कोई ऐसी न्यूज मिलेगी तो वो इसको इंटरप्रेट भी कर सकेंगे प्रॉपर्ली क्या है क्या. देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फर्नेस ऑयल वाली है, ठीक है ना. सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन की है, ठीक है ना. थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है इन्होंने अभी रिसेंटली जो सबने दो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स किए, एक है डीजल डीसल्फराइजेशन की एंड एक है आइसोमराइजेशन प्लांट, ठीक है ना. वो काफी समझ लो ऑलमोस्ट 25 बिलियन के करीब की वो इन्वेस्टमेंट थी दोनों मिला के मोर ओर लेस, ठीक है. उससे कुछ प्रॉब्लम है वो मैं बताऊंगा. तीन ये हो गई और फोर्थ जो है वो मैग्नीज कॉन्टेंट से रिलेटेड एक आपके जो इन्वेस्टर ने देखा होगा काफी न्यूज चल रही थी काफी पिछले एक साल से मैग्नीज कंटेंट से रिलेटेड एक इशू है, एक वो प्रॉब्लम है. एंड देन फिफ्थ जो है वो चले मैं आपके व्यूअर्स को एक नई बिल्कुल ही दे देता हूँ इन्फॉर्मेशन, वो है ड्यूटीज रिलेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कुछ लास्ट ईयर में ऐसे चेंज हुए हैं जो कि इन लोगों के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव हो गए. अच्छा तो अब मैं वन बाय वन क्विकली आ जाता हूँ क्योंकि नेगेटिव काफी सारे आते हैं इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं है जो मैं बता सकूँ कि एक आध कोई चीज इसमें पॉजिटिव है. तो रिफाइनरीज के लिए फिलहाल अनफॉर्चुनेटली कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं है. इवन इन द बजट एज वेल कोई चीज उसमें पॉजिटिव नहीं है. एक चीज आई है कि हाइड्रो पैकिंग यूनिट जो अच्छा नाम है पैकिंग के जितने भी उन पे गवर्नमेंट जो है वो ड्यूटी की रिडक्शन देगी बेसिकली, तो हमारी उस एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज से उसका कोई ताल्लुक नहीं है. हमारी एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज जो है वो हाइड्रो से लेंगे. अच्छा अब मैं अगर इनकी प्रॉब्लम की आ जाऊँ, सबसे पहले फर्नेस ऑयल का प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम ऑब्वियसली हमारा जो शिफ्ट है वो जो फ्यूल बेस्ड जो बेसिकली ऑयल बेस्ड जितनी भी जनरेशन है पावर जनरेशन उससे शिफ्ट होकर गैस बेस्ड मेनली आ रहा है एंड देन कोल बेस्ड और हाइड्रो बेस्ड जो है वो हमारी शिफ्ट हो रही है जो भी हमारी पावर जनरेशन की. ठीक है, तो उसकी वजह से अब होता ये है मेनली कि फिलहाल तक डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन इस तरह से है कि जो जितने भी समर का सीजन जितना भी होता है ना उसमें जो ऑब्वियसली जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना. तो उसमें जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो उस वक्त तो हमें जनरेशन के लिए हमें ये फर्नेस ऑयल बेस्ड प्लांट जो है वो चलाने पड़ते हैं. बट जब विंटर आती है, सही है, विंटर आती है तो विंटर में हमारी जो पावर जनरेशन की रिक्वायरमेंट है वो हो जाती है कम, तो उस वक्त क्या नाम है हमें फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर प्लांट चलाने की जरूरत नहीं पड़ती. अच्छा, ये जरूरत कब पड़ती है और कब नहीं पड़ती है, सिंपली गवर्नमेंट की एक मैरिट ऑर्डर टेस्ट होती है कि सबसे सस्ता बेसिकली जो यूनिट बना रही होगी जो भी कंपनी या जो भी जिस भी फ्यूल बेस बना रही होगी वो मैरिट ऑर्डर पे सबसे पहले होगी, मीन गवर्नमेंट सबसे पहले उससे खरीदेगा. तो फर्नेस ऑयल बेस्ड जो पावर जनरेशन है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, एज हाई एज 15-16 रुपीज इन सम टाइम ये बेस करता है, ऑयल की प्राइस चलती है 17 जा रहा होता है सबसे, तो इतनी ज्यादा होती है फर्नेस ऑयल बेस्ड, तो ये मैरिट ऑर्डर में बहुत नीचे आते हैं. तो जब जनरेशन की हमारी रिक्वायरमेंट कम होता है, हमें पावर की रिक्वायरमेंट कम होती है हमारी, तो उस वक्त ये जो फर्नेस ऑयल की लिफ्टिंग है वो बंद हो जाती है. ठीक है. अच्छा, अब इसमें हो ये रहा है कि देखिए कुछ सालों से स्टार्ट हुआ ये, एक महीने होता था फर्नेस ऑयल का मसला, दो महीने हुआ और अब ये बढ़ के ना तकरीबन 4-5 महीने के करीब पहुंच गया है, ठीक है ना. ये ऑलमोस्ट सेप्टेम्बर से स्टार्ट हो जाता है ये मसला और ये जनवरी के करीब करीब फरवरी जनवरी तक रहता है, ये जनवरी फरवरी तक रहता है. उससे हो ये रहा है कि जो रिफाइनरीज है ना उनकी थ्रूपुट स्लो हो गई है, मीन्स थ्रूपुट कम हो गई है. थ्रूपुट का मतलब है उनकी इन इजी वर्ड जो उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कम हो गई है,
कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो रिफाइनरी के लिए है कि 2-2% से भी अगर कम हो जाना तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी ज्यादा हिट आ जाती है, ठीक है। तो और उनकी काफी ज्यादा कम हो जाती है। प्लस दूसरा मसला ये भी होता है, जब क्या नाम है, जैसे लास्ट ईयर हमने देखा कि थ्रूपुट कम हुआ था, तो उसमें होता है ये फर्नेस वाइज तो निकल ही रहा होता है, फर्नेस वाइज उनके टैंक जो है वो फिलअप हो जाते हैं सारे के सारे। जब टैंक फिलअप हुआ तो उस वक्त जो क्रूड का रेट था वो हाई था, सही है ना, उसका क्रूड के प्राइसेस नीचे आने लग गए, तो जाहिर है फर्नेस ऑयल के प्राइसेस नीचे आने लग गए, तो उन्होंने ऑलरेडी तो लॉस मेकिंग जो प्रोडक्ट थी वो और ज्यादा लॉस में आ गई, उनकी जो इन्वेंट्री खड़ी हुई थी वो इन्वेंट्री होल्ड का जो इनका मैंने इन्वेस्टमेंट का बताया था ना, 25 बिलियन इन्होंने किया इन्वेस्टमेंट, वो पॉइंट नंबर 3 है। उसमें मैं इस चीज को आपको कवर करवा दूंगा जी जी कि ये जो है ना वो है। अब क्विकली फर्नेस ऑयल को अगर जल्दी से रैप कर ले हम लोग, तो अब सिचुएशन इस तरह से है कि इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, ठीक है, और ना गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन इनको निकाल के दे सकती है। ये मसला जैसे जैसे एयर गुजरेंगे ये मसला बढ़ता रहेगा, मीन जो मंथ है ये बढ़ते बढ़ते, और इन एंड ऐसा होगा कि हमें फर्नेस ऑयल से पावर जनरेशन की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि कोल बेस्ड पावर प्लांट इतने सारे तो 9 सारे थर्ड थर्ड तो कोल हो रहे हैं, उसके बाद इनको जरूरत मेनली ये हो सकता है ना ही पड़े, तो फर्नेस ऑयल का यूज खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उस केस में अब है इनके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, कि एक सोल्यूशन ये है कि ये क्या नाम है, क्रैकर होता है जो कि फर्नेस ऑयल को कन्वर्ट करता है, या तो डीजल में या फिर मोटर गैसोलीन में भी जानी पड़ जाती है, तो वो क्रैकर लगा दें, ठीक है, हर रिफाइनरी को वो क्रैकर लगाना पड़ेगा। जिसका जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि क्रैकर कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी बहुत, मीन्स कम स्पेसिफिकेशन वाला भी अगर क्रैकर लगाए ना, तो वो भी $600 मिलियन का क्रैकर है कम से कम। सही है। तो $600 मिलियन के आप क्रैकर पे समझ लें कि इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इनको फर्नेस ऑयल कन्वर्ट करने के लिए करनी पड़ेगी, और उस पर कोई इतना बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट है नहीं उस चीज का। तो ये जो रिफाइनरी है बेसिकली बहुत ज्यादा समझ लें आप एक मुश्किल सिचुएशन में आई है, और ये मुश्किल सिचुएशन इनके लिए बढ़ती रहेगी आगे चल के, जो आगे के फर्दर जो भी हम साल देखेंगे। ठीक है। तो अब एक तो ये फाइनेंस वाले का मसला आ गया। सही है। अच्छा, जी, आपको कुछ पूछना है इसमें? मुझे बस ये पूछना चाह रहा था कि और रिफाइन एक बहुत सारे जो बुलिश इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ ये बोलते हैं यार ये चार्ट पे जो स्टॉक्स हैं रिफाइनरी की अच्छे खासे गिर चुके हैं, तो ये जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि चार्ट पे कोई चीज अगर बहुत गिर चुकी है तो उसे खरीद लेना चाहिए, इसमें क्या कबाहत है? देखिए, 450 का, 452 का मुझे याद पड़ रहा है, अभी रिसेंटली इसने 2 साल पहले शायद 2.5 साल पहले हाई लगाया, हाई ऊपर इसका 452 का शायद, तो वहां से जब ये 300 का हुआ था ना, जब बहुत सस्ता लग रहा था, जब ये 200 का हुआ वहां पे भी सस्ता लग रहा था, और जब ये 150 से नीचे आ जाए तो बहुत ही सस्ता लग रहा था, 400 से नीचे तो बिल्कुल ही फ्री लग रहा था। तो मैं आपको ऑन अ लाइटेड नोट बताऊं, ये मेरे ख्याल से इस वक्त भी बहुत महंगा है, अगर आप मुझसे रिफाइनिंग पूछते हैं तो ये स्किल अभी बहुत ज्यादा महंगा, क्योंकि आपको मैंने एक सिंपल सी एक एक एग्जांपल दे दी, इसी पे मेरे ख्याल से पूरा ही रैपअप हो जाता है, कि सिर्फ एक मिनिमम क्रैकर, बहुत ही कम स्पेसिफिकेशन वाला कोई क्रैकर अगर रिफाइनरी कोई भी लगाने जाएगी, तो उसको $600 मिलियन का वो क्रैकर लगेगा, ठीक और है। उस क्रैकर को लगने में एटलीस्ट 4 to 5 years लगेंगे एक क्रैकर लगाने में। तो आप सोचें कि 4-5 साल तक रिफाइनरी तब क्या करेंगी, कुछ फर्नेस ऑयल का करेंगी क्या? अब उसको एक चीज और है, एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि 1 जनवरी से एक इंटरनेशनल लॉ पास हो गया है कि फर्नेस ऑयल जो 3.5% सल्फर कॉन्टेंट का होता है उस पर बैन हो गया है, तो हमारी रिफाइनरीज मेनली बनाती 3.5% सल्फर का है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में तो उसकी कोई मार्केट नहीं बची, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि फिर उसकी लोकली भी प्राइजेस कम हो जाएंगी, क्योंकि हमारी सारी प्राइजेस जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनकी प्राइजेस हमारी इंटरनेशनल लिंक होती है, तो इंटरनेशनल जब एक चीज की प्राइस क्रैश करेगी तो वो यहाँ पे भी कम हो जाएगी बहुत। तो एक दूसरा मसला फर्नेस ऑयल का इनके साथ साथ ये भी है, एक तो हमारे पास ही हमारी मीन्स इंटरनली जो कंट्री की डिमांड वो भी खत्म हो रही है, प्लस जो जो इंटरनेशनल जो डिमांड या जहाँ पे यूजेज था वो भी खत्म हो रहा है, बंकर फ्यूल में बेसिकली यूज होता था जो शिप वगैरह चलती है, तो शिप की जो इमिशन है उसका स्टैंडर्ड इन्होंने कम कर दिया है, 3.5% से 0.5 कर दिया, तो उसमें जो फर्नेस ऑयल है वो यूज नहीं हो सकेगा।
اس پہ دوسرے فیول یوز کرنے پڑیں گے, تو وہ بھی ایک بڑا ایک ان کے لیے مسئلے والی سچویشن. اچھا, یہ جو ان کی پروفیٹیبلٹی ہے جو لاسز میں جا رہے ہیں, بیکاز بہت سارے انویسٹرز اگلے دو سال کی کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی کو بہت دیکھتے ہیں, تو اگلے دو سال کی کارپوریٹ, اس سال تو بہت ایکسپیکٹڈ ہے کہ لاس ہی پوسٹ کرے گی کمپنی, جو ریفائنریز ہیں وہ اگلے دو سال پروفٹس میں آ سکتی ہیں؟ اگر آ سکتی ہیں تو انہیں کیا ایسا کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو کہ وہ آئیں, یا اس ٹریگر کو انویسٹرز اپنے ذہن میں رکھیں وائل دے آر میکنگ اے بائی کال آن دا ریفائنری سیکٹر؟ جی جی, دیکھیں صرف اس میں جو صرف ایک صورت میں یہ پروفٹ میں آ سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلا تو یہ کہ جو ہماری روپی کی ڈیپریسیشن ہے نا وہ رک جائے, ٹھیک ہے, روپے کی ڈیپریسیشن رک جائے گی, ایک ان کا جو ایکسچینج لاس آتا ہے وہ رک جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کے فرنٹ پہ کوئی پالیسی چینج آ جائے, بہت بڑا پالیسی چینج سے مطلب کہ ان کو انسینٹیوز کافی سارے مل جائے. مینس لیٹس سے ایک جو رون کی ابھی بیچ میں بات چلی تھی کہ 80 رون کا کیا نام ہے پیٹرول الاؤ کرتے ہیں, وہ ان کے لیے پازیٹیو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ون پازیٹیو ہے, اس سے پروفیٹیبلٹی میں نہیں آئیں گے. اسی طرح ڈیم ڈیوٹی ان کی بڑھ جاتی ہے, وہ ایک چھوٹا سا پازیٹیو ہے بہت, ٹھیک ہے. اسی طرح اور ان کو کچھ بینیفٹس مل جاتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ یہ فرنیس آئل کے لیے لگا رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کو ان کو ریلیکسیشن دے دے. ڈیوٹیز وغیرہ کی تو ملی جائے گی, وہ نہیں چاہیے کہ ڈیوٹی جتنے پلانٹ جو پلانٹ اینڈ مشینری منگائیں گے اس پہ ڈیوٹی ایگزام کر دے گی, بٹ اس کے علاوہ کوئی ایسا بینیفٹ دے دے کہ مینس ہالیڈے دے دے ڈفرینٹ قسم کے, جیسے کہ نئی ریفائنریز لگنے پہ مل رہا ہے, اس طرح کے ہالیڈیز دے دیں اس میں بھی ان کو. لیکن پروفیٹیبلٹی میں آتے آتے بھی نا ان کو ایٹ لیسٹ 3 ایئر لگ جائیں گے اگر بہت سارے ان کو انسینٹیو مل بھی جائے اس کے بعد, کیونکہ ظاہر ہے اگر ان کو پروفیٹیبلٹی میں آنے کے لیے ان کو فرنس والے میں کریکٹ تو لگانا ضروری ہے, وہ کریکٹ لگنے میں 4-5 سال لگ جائیں گے, ٹھیک ہے. بکاز حالیہ میں ایک خط سامنے آیا تھا جو انہوں نے حکومت کو بھیجا تھا جس میں اس طرح کے انسینٹیوز مانگے تھے تاکہ فردر انویسٹمنٹ کر سکیں ریفائنری سیکٹر کے اندر, اس کی پروبیبلٹی کتنی ہے؟ لیکن پروبیبلٹی تو اوبویسلی بہت مشکل ہے اس کا جواب دینے. جو سمجھ لیں جو ہماری گورنمنٹ کا جو موسٹ فیوریٹ سیکٹر ہے جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے, اوبویسلی ٹیکسٹائل وغیرہ جو سب سے پہلے گورنمنٹ جیسے ہی آئی اس نے جو انسینٹیوز دیے وہ ٹیکسٹائل کو ہی دیے, اور آتے کے ساتھ ہی جو مینس بہت زیادہ پورے جو ورڈ ہیں وہ یوز کرے وہ ریفائنری کے لیے یوز کرے تھے. آپ کو یاد ہوگا نیوز چلی بھی تھی, عمران خان نے کافی ان کو سختی سے ان کے ساتھ کافی ٹریٹ کرا تھا ان کو, تو بٹ کیا نام ہے اس سیکٹر کے لیے آپ دیکھیں کہ اس کے لیے گورنمنٹ نے انسینٹیو جو تھے وہ کافی سارے وڈرا کر لیے ہیں, تو ان کی تو باری پھر کافی بعد میں آتی ہے, بٹ ان کو ہوپفلی اگر مل بھی جاتے 2-3 انسینٹیو تو اس سے بیسکلی کوئی ایسا خاص فائدہ ہوگا نہیں ہے. اسٹل ان کی پروفیٹیبلٹی معنی میں کافی ان کو ٹائم بھی چاہیے اور کافی ساری چیزیں ان کو کرنی پڑیں گی اس کے بعد یہ پروفیٹیبلٹی میں آئے, ٹھیک ہے. میں اس پوائنٹ پہ ناظرین کو بھی بتا چلوں, آپ ہمارا پروگرام شیئر کر سکتے ہیں سو دیٹ یو کین ون اے چانس ٹو گیٹ 1 month فری ممبر شپ آف انویسٹرز لاؤنج. اینڈ اگر آپ کو مزید سوالات پوچھنے ہوں ارسلان سے تو پلیز ہمیں کانٹیکٹ کیجیے گا ہمارے فیس بک کے پیج کے اوپر, تو ہم ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز دیں گے سو دیٹ ہی کین گیٹ دا لیڈ فار دا بروکریج ہاؤس از ویل, اینڈ آپ بھی اچھے انالسٹ سے کنیکٹ ہو کے ایک اپنی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی بنا سکیں. اچھا, اگر آپ چارٹس پہ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز تو مثال کے طور پہ اٹک ریفائنری, جو بہت ہی بیسک نالج جو آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے, فرائیڈے کے دن ابو ایوریج والیوم کے ساتھ اگر آپ دیکھیں, جب ابو ایوریج میرا ماؤس کو ٹریک کریے گا, ابو ایوریج والیوم کے ساتھ اتنے زیادہ والیوم کے ساتھ ایک طرح کا ڈوجی اسٹار بنایا اٹک ریفائنری نے, اس وقت جب دوسرے سیکٹرز کافی بڑھ رہے تھے اور انڈیکس نے پازیٹو کلوز کیا تھا, تو تیز مارکیٹ کے اندر فرائیڈے میں کسی اسٹاک کا کمزور پڑ جانا وہ اس کی ریلیٹو اسٹرینتھ یا ریلیٹو ویکنیس کی علامت ثابت ہوتا ہے, اور اپر ویک بنانا کسی بھی اسٹاک کی ایسی مارکیٹ کے اندر پروفٹ ٹیکنگ کا یا پرائس ریجیکشن کی علامت ثابت ہوتا ہے. تو اس طرح کی کینڈل آپ عمومی طور پہ ہائر ڈگری آف پروبیبلٹی کے ساتھ اس کی اگلی کینڈل آپ ایک بیئرش کینڈل دیکھ سکتے ہیں جو کہ آج ہم نے دیکھی. تو آپ اگین صرف چارٹس کی بیسس کے اوپر بھی, سپلائی ڈیمانڈ انالیسس کی بیسس کے اوپر بھی یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹاکس کے اندر ویکنیس کہاں آ رہی ہے, اور یہ ویکنیس شو کی رائٹ ابو دا 20-day ایکسپوننشل موونگ ایوریج فار دا اسٹاک. تو ایک اور اس میں کنسٹرینٹ پھر ہے 50-day ایکسپوننشل موونگ ایوریج کی, جو 95 ہے اس سے کہیں پہلے ہی اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سیلنگ نظر آئی. اوور آل مارکیٹ میں سینٹیمنٹس اگر بہتر ہوتے ہیں تو ہر طرح کے اسٹاک میں تیزی آ سکتی ہے, لیکن آپ کو یہ سوال پوچھنا ہے کہ آپ اس اسٹاک میں سرمایہ کاری کریں جس اسٹاک کے پیچھے فنڈامنٹل بیک کر رہے ہو اور پرائس والیوم ایکشن بیک کر رہا ہو. اگر صرف پرائس والیوم ایکشن بیک کر رہا ہے اور فنڈامنٹل بیک نہیں کر رہے تو آپ سوال پوچھیں کہ یہ انومولی کی کیا وجہ ہے, کیا کوئی ٹرن اراؤنڈ تو نہیں آنے والا؟ اگر تو ٹرن اراؤنڈ نہیں آتا
और उसकी भी प्रोबेबिलिटी कम नजर आती है, तो फिर आप समझे कि ये कोई डोमिनेंट प्लेयर एक्शन कर रहा है एंड प्रोबेबली इट्स अ ट्रैप फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिसमें वो फंस सकते हैं। तो इन तमाम परम्यूटेशन को अपने मद्देनजर रख के ही आप किसी भी स्टॉक में सरमाएकारी, अगेन चार्ट्स, गुड रिसर्च एनालिस्ट की रिपोर्ट्स, उसके साथ साथ आपको प्राइस वॉल्यूम एक्शन को देखना और वैलिडेट करना कि आया इसका फंडामेंटल टर्न अराउंड है या नहीं है, क्या स्टोरी है इसके अंदर और क्या वो वैलिडेट हो रही है प्राइस वॉल्यूम एक्शन से या नहीं हो रही। इसके साथ साथ आप अरसलान स्टील सेक्टर को भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, ऑल्दो आपने फिर भी थोड़ा सा लेट कॉल दी थी सेल कॉल अमरेली स्टील के ऊपर, लेकिन आप बड़े ही काफी अरसे से इस पे कंसर्न थे। स्टील सेक्टर की थोड़ी डायनामिक्स बताइए हमारे नाजरीन को और स्टील सेक्टर का अभी क्या हाल है, इसके ऊपर थोड़ा तबसरा कीजिए। ये बेसिकली मेरे ख्याल से आई डोंट नो, शायद मैं आपको शायद याद होगा, मैं शायद वही एनालिस्ट हूं जो काफी ज्यादा बेयरिश था जब ये 100 से भी ऊपर। हां ये नाजरीन मैं आई पुट दिस ऑन द रिकॉर्ड, सो व्हाई आई लाइक अरसलान सो मच इज कि जब पूरी इंडस्ट्री बाय कॉल दे रही थी अमरेली स्टील को और स्टील सेक्टर पे, तो अरसलान वाज वन ऑफ द एनालिस्ट, वन ऑफ द आई थिंक द ओनली एनालिस्ट जो कि इसके बारे में बेयरिश था, वो राइट प्राइमरी बेयर साइकिल को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था एट द राइट टाइम। जी अरसलान जी जी, तो इसमें देखें मसला जो प्रॉब्लम जो फिलहाल सीमेंट को भी अभी फेस करनी पड़ी इस महीने और अब स्टील को भी फेस करनी पड़ रही है, एक तो सिंपली जाहिर है ये कि सारा का सारा हमारा जो है ये साइक्लिकल सेक्टर, स्टील भी ऑब्वियसली साइक्लिकल सेक्टर ही है, तो जब इकोनॉमी की स्लोडाउन, इकोनॉमी का स्लोडाउन आना शुरू होता है तो जाहिर है इन पे इफेक्ट तो बिल्कुल आता है। प्लस उसके साथ साथ होता क्या है कि इस दफा भी हुआ क्या अगेन के जब डिमांड स्लो डाउन हो रही थी उसी वक्त सप्लाई भी उसी स्पीड से सप्लाई भी आ रही थी स्पीड से, शायद उससे ज्यादा ही स्पीड से सप्लाई आ रही थी, मीन सप्लाई एडिशन हो रही थी, स्पीड से डिमांड स्लो डाउन हो रहा था। अच्छा, तो उसमें हुआ इस तरह से बेसिकली अमरेली ने भी 200,000 टन का इसका प्लांट था, इसने तकरीबन अभी 600,000 टन का प्लांट अपना कर लिया, तो आप इसकी एडिशन सिर्फ चेक कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसने तकरीबन 200% से जो है वो अपनी कैपेसिटी को ऐड करा। इसके साथ साथ ऐसे ही काफी सारी कंपनीज ऐसी थी जो कि जिन्होंने एक्सपेंशन की हैं और बहुत छोटी छोटी कंपनीज नहीं लिखी हैं। अच्छा, इससे क्या हुआ कि सप्लाई प्रेशर एक तो फॉरन से बढ़ गया, प्लस डिमांड भी स्लो डाउन हो गई थी। इसके साथ साथ हमने जब डेप्रिसिएशन देखी है रुपए की तो उसमें इनको काफी ज्यादा हिट आई है कि इतना ज्यादा पास ऑन नहीं कर पाए। प्लस एक और चीज जो हो रही थी वो बहुत ज्यादा ये हो रही थी कि जो वो एक छोटा सा एक रीजन ये भी था कि फाटा और फाटा पे काफी ज्यादा इनको रिलैक्सेशन मिली हुई थी फाटा वालों को ड्यूटीज में एंड टैक्सेस में, उधर बेसिकली सेल टैक्स वगैरह भी नहीं अप्लाई होता तो उधर से भी कुछ सस्ता जो है वो आप बोल रहे हैं चीपर रिबार्स आती थी और वो भी मार्केट में सेल होती थी। खैर वो तो इस बजट में थोड़ा बहुत एड्रेस हो गया बट वो काफी छोटा पोर्शन था, मेन पोर्शन यही है कि सप्लाई साइड प्रेशर आया प्लस डिमांड स्लो डाउन एकदम से आ गया, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो एक तो बढ़ने के बजाय जैसे जैसे हमारा रुपी डेप्रिसिएट हो रहा था इसको बढ़ना था साथ साथ प्राइसेस को उसको ओवरकम करने के लिए कॉस्ट प्रेशर को, बट वो बढ़ी नहीं उल्टा कम होना शुरू हो गया। मीन्स आप ऐसे समझ लें कि तकरीबन जो प्राइस का हाई था वो मुझे याद पड़ा है अमरीकी की अगर मैं बात करूं 9,000 के करीब का कोई हाई था इसकी प्राइस का, और वो लास्ट दो क्वार्टर्स जो एटलीस्ट इवन जो तीन क्वार्टर्स जो गुजरे हैं उसमें ये प्राइस कम होते होते ऑलमोस्ट 96,000 पे आ गई। अब आप देखें उस वक्त से लेकर अब तक रुपी की डेप्रिसिएशन कितनी ज्यादा हुई और इन तीन क्वार्टर में प्राइस था वो काफी ज्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि अमरेली में जो है वो लॉस तो क्या नाम है आपकी आवाज थोड़ी सी कम हो रही है। मैं दोबारा से बताता हूँ, इसी यही प्राइस जो डिक्लाइन आया इतना ज्यादा प्राइसेस में अमरेली की स्पेशली और सबकी प्राइस में बेसिकली डिक्लाइन था, उसकी वजह से हमने देखा कि मार्च क्वार्टर में अमरेली ने लॉस पोस्ट किया और क्या नाम है बेसिकली लॉस में आ गए थर्ड क्वार्टर में। अब सिचुएशन इस तरह से कि फर्दर डेप्रिसिएशन हो रही है प्लस जो है वो अमरेली स्पेशली अगर अमरेली की हम लोग बात कर लें अभी तो अमरेली का प्रॉब्लम ये है कि अमरेली पूरा का पूरा नेशनल ग्रिड पे प्लस गैस की यूजेज भी है, तो जितना इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में इंक्रीज आएगा वो सारी की सारी हिट पड़ती है अमरेली पे, प्लस अगर के नाम है कोई गैस की प्राइस का इंक्रीज आता है तो वो भी बिल्कुल हिट आती है अमरेली पे, प्लस कोई अगर डेप्रिसिएशन होती है तो उसका भी कॉस्ट प्रेशर आता है अमरेली पे। तो अभी जो सिचुएशन है ना इस वक्त वो समझ लें आइडियली नेगेटिव है अमरेली के लिए, आइडियली नेगेटिव है अमरेली के लिए है। इस वक्त अगर सारे स्टॉक्स में आप देखें
मैं अगर कोई की जो जितने मेरे कवरेज में अगर मैं से उसमें पिन पॉइंट करता हूँ तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव है ना जितनी सिचुएशन है इस वक्त वो है ही अमरेली के लिए, और इसीलिए कि क्या नाम है सारी रिलायंस की ग्रिड पे है, सारी क्या नाम है जो भी गैस है उस पर इंक्रीज होता है तो उस पर हिट है, जो भी डेप्रिसिएशन होती है तो उस पर हिट है। इस वजह से अमरेली जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में इस वक्त सिचुएशन जो है उसकी काफी प्रॉब्लम है। अच्छा अगले अरसलान, अगर अगले 2 साल की कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, क्योंकि बॉटम लाइन के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि स्टॉक को यहाँ से कितने का होना चाहिए या कितनी इसके अंदर अपसाइड बनती है या स्टॉक अपना प्राइमरी साइकिल बेयरिश साइकिल से बुलिश साइकिल में चेंज कर रहा है। एक तो बात तय है कि अभी चूंकि डिस्काउंट रेट आपके पीक आउट नहीं हुए हैं या मैक्सिमम डिस्काउंट रेट तक आप अभी नहीं पहुंचे हैं और इन्फ्लेशन भी अपनी पीक आउट नहीं हुई है, तो ये तो आप कह सकते हैं कि एक्सचेंज रेट भी अपना अभी प्रॉपर तौर पे फुली तौर पे अकाउंटेड फॉर नहीं हुआ है इकोनॉमी के फंडामेंटल्स में। तो ये और स्टील सेक्टर साइक्लिकल सेक्टर ऐसा होता है कि सबसे आखिर में उसका बेयर साइकिल आपका खत्म होता है और बहुत क्लोज होता है जब डिस्काउंट रेट आपके मैक्सिमम हो जाए और वो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। तो अभी आप अगले 2 साल के अंदर किन कंपनीज का समझते हैं कि इनके कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी लॉसेस में जा सकती है? देखिए बिल्कुल अमरेली वन ऑफ द मेजर जो आप बोल रहे हैं इसमें अमरेली हो सकती है पहली फर्स्ट। अगर हम इसको आप रैंकिंग वाइज देख लें, आप मुझसे पूछें कि रैंक करो तो रैंकिंग में मेरे ख्याल से रिफाइनरीज को मैं टॉप पे करूंगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं सीमेंट्स में, वो जो लेवर्ड कंपनी है स्पेशली जिराट, मेपिल, पाइनियर, टीची, ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर इन लोग जो कमिंग ईयर जो भी आ रहा है वो ये लॉस जो है वो पोस्ट कर सकती हैं सारी कंपनी ईयर का लॉस में, क्वार्टर के लॉस के बाद एग्जिस्टिंग क्वार्टर है इसमें तो लॉस एक्सपेक्टेड है। फिर उसके बाद आप बोले तो अमरेली बिल्कुल, हाँ अमरेली लॉस पोस्ट कर सकती है, आयशा स्टील लॉस पोस्ट कर सकती है और मुगल के चांसेस थोड़े से कम है। ISL इसमें ऐसा है कि उसको लॉसेस मीन सबसे आखिरी में अगर कोई लॉस में आएगा मीन स्टील सेक्टर में वो मेरे ख्याल से ISL उसकी क्या वजूहत है? देखिए उसकी सिंपल सी वजह है, इस वक्त जो इकोनॉमी की सिचुएशन है ना और जो गवर्नमेंट का मोटिव है वो है इंपोर्ट को कम करना, सही है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सचेंज रेट बढ़ा के अपनी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना ताकि इंपोर्ट्स इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए कि हमें सारी चीजें इंटरनेट बनानी पड़ जाए। तो उसमें जो देखें इस वक्त आइडियल सिचुएशन में होता है ना वो इंटरनेशनल स्टील या फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स ही होती है, वो इसलिए कि फ्लैट स्टील प्रोडक्ट मीन्स मैं तीन सेक्टर जो भी मेरे कवरेज में उसमें वाइड फ्लैट स्टील मार्केट है जो कि इम्पोर्ट कॉम्पिटिशन में है, ठीक है ना। अदरवाइज कोई भी इंडस्ट्रीज के अलावा इम्पोर्ट कॉम्पिटिशन में नहीं है, ना हमारी रीबार की इंडस्ट्री जीरो इम्पोर्ट है, ना सीमेंट की इंडस्ट्री जीरो इम्पोर्ट है, बाकी जितनी भी हमारी क्या नाम है बाकी जो इंटरनेशनल सील और आईसीएस सील है बेसिकली वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इंपोर्ट कंपटीशन वो इंपोर्टर से कंपटीशन है। तो इस सिचुएशन में जाहिर है इन लोगों के लिए काफी पॉजिटिव होता है, दो जब डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली इनकी डिमांड कम होगी बट इनको काफी कुशन मिल जाएगा, क्या क्या नाम है इन लोगों के लिए थोड़ी कम्फर्टेबल पोजिशन होगी एज कम्पेयर टू अदर, जब जब भी मीन्स ये साइकिल रुकता भी है, जब ये जो हमारी अभी स्टेबिलाईजेशन का जो एक मेजर्स लिए जा रहे हैं अभी तो मेजर्स चल रहे हैं, मेरे ख्याल से आगे और मजीद चलेंगे वो मेजर्स, जहाँ पे आके रुक जाएंगे वहाँ पे अगर कोई बेहतर सिचुएशन में होगा उस वक्त तो शायद इंटरनेशनल होगा जो कि देखा जा सकता है, या उसके बाद इस तरह के कम पहुंची गए। ठीक है, अच्छा स्टील के ऊपर ये भी एक कहा जाता है कि यहाँ से एक आर्गुमेंट जो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स लेते हैं वो ये है कि चूंकि ये इतना गिर चुके हैं स्टील सेक्टर, और ये सेम लाइकवाइज दी आर्गुमेंट गोज फॉर सीमेंट सेक्टर एज वेल, स्टील सेक्टर एज वेल, और उसके साथ साथ रिफाइनरी, चूंकि ये इतना गिर चुके हैं इसलिए यहाँ पे इनकी बाइंग बनती है, और अक्सर ब्रोकर इन्वेस्टर्स को फंसाते भी इस तरह के स्टॉक्स में इसलिए ही है कि चूंकि ये 3 दिन से कैप लगा रहे हैं और ये इतना गिर चुके हैं तो यहाँ इनकी बाइंग बनती है। तो उस सूरत हाल में इन्वेस्टर को क्या ऐसी चीज देखनी चाहिए ताकि वो इस तरह की वो नॉलेज जो कि अनइन्फॉर्म्ड ब्रोकर या ट्रेडर उनको देते हैं उसको डिस्टिल कर सकें और एक दूसरा पर्सपेक्टिव बिल्ड कर सकें जो कि रियलिटी पर मबनी हो? जी देखें इसमें इसमें बहुत इजी है, मैंने सीमेंट का तो आपको समझा दिया, देखें कि जितनी भी प्राइस इंक्रीज हो रही है ना आप इजी अब समझ लेंगे फिलहाल आज की जितनी भी
हमारे पास फैक्टर्स है ना, उसको अगर हम अकाउंट कर लें तो माइंड में रखें कि 700 to 750 के मिड में कोई बैग की प्राइस होगी तो एटलीस्ट जस्टिफाई करेंगे इन रेट्स पे, आज के रेट्स पे जस्टिफाई होंगे। फिर भी अगर बहुत ही कोई गन पॉइंट पे रख के बोलते हैं तो कोई बाय करवा भी रहो तो उस वक्त क्या नाम है, फिर उसमें लेस रिस्की जो स्टॉक्स हैं सीमेंट्स में, जैसे कि बॉडी सीमेंट या लकी सीमेंट हो गया, इसकी तरफ आप जा सकते हैं, इनको देख सकते हैं। अदरवाइज जो है वो काफी रिस्की है। इस तरह से बेसिकली होता ही है कि हमारे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो फर्दर लॉस करते रहते हैं जब उनके पास या तो होता नहीं है सीमेंट, लेट से सीमेंट बहुत नीचे जा रहा था, उन्होंने बेचारों ने लॉसेस में बेचा हुआ, किसी का 200 का था, किसी का 150 का था, उन्होंने ऑलरेडी 100 पे या 90-80 पे लॉसेस में आके बेचा हुआ, फिर जब वो नीचे से एकदम से रिकवर होना शुरू होते हैं तो उसमें ये होता है कि ऐसा ना हो कि हमारा लॉस जो है वो कवर ना हो पाए, हमारे पास होना एस्टिमेट हमारे पोर्टफोलियो में और हमारा जितना लॉस हुआ वो भी कवर ना हो पाए, तो इसलिए रश करते हैं इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर वो बाइंग के लिए आते हैं बेचारे, फिर उसके बाद वापस वहीं से वही सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है जो कि पहले थी, और वो फर्दर वहां से आपने देखा होगा एक चीज बार बार आप नोट कर रहे होंगे कि हर दफा सीमेंट जो है वो एक नए लो को टच करता है, देन उसके बाद कुछ रैली करता है, फिर वहां से एक नए लो को टच करता है, तो फिलहाल जो हर दफा न्यू लो को टच करने वाला जो साइकिल चल रहा है ना वो मेरे ख्याल से अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जो दोबारा से जो स्पेल आएगा करेक्शन का वो मेरे ख्याल से एक और नए लो को टच करेगा, तो इस वक्त बेसिकली कॉशियस रहने की ही एडवाइस है। कोई ट्रेडिंग पोजीशन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की जिस तरह की लैकस्टर ट्रेडिंग चल रही है समय में कोई ट्रेडिंग पोजीशन लेकर कुछ पता नहीं होता, तो कैप होते हैं, कैप ओपन होता है, नेगेटिव होते हैं, कुछ इस तरह से समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा ये एक और चीज है, ये डीएसएल में काफी लोग फंसे हुए हैं, तो डीएसएल हाउ डू यू व्यू दिस स्टॉक बाय द वे? नहीं देखिए डीएसएल तो बिल्कुल ही यूजलेस है, बेचारा अगर कोई फंसा हुआ भी है तो मैं उसको बहुत ही अच्छी फिलहाल एडवाइस दूंगा एटलीस्ट कि वो फंसा ही रहेगा मेरे ख्याल से काफी सालों तक ही फंसा रहेगा अगर वो लेकर रखे इस एंटीसिपेशन में कि शायद कुछ हो जाए। सिंपल सा डीएसएल का मैं आसान सा बता देता हूँ, जो हमारी जितनी भी स्टील कंपनीज है मेनली डी बार मैन्युफैक्चरर्स बता रहे हैं, लॉन्ग स्टील में जो हमारी अमरेली मोबल और इत्तेफाक आती है और दो स्टील भी आती है, बट जो भी हमारी स्टील कंपनीज है ना वो बेसिकली रॉ मटेरियल उनका होता है स्क्रैप खरीद के वो उससे बिलेट बनाती है, तो ये बिलेट से वो फिर डी बार बनाती है, ठीक है ना। था ये आज से कोई 2-2.5 साल पहले तकरीबन के बिलेट पे ना ड्यूटी थी नहीं, कोई बिलेट बहुत ज्यादा इम्पोर्ट हो रहा था चाइना से, इधर उधर से इम्पोर्ट हो रहा था, इवन जो हमारी जो कंपनीज बिलेट बना के भी रिबार बनाती है वो भी बिलेट मंगाना शुरू कर दिया, उन्होंने भी बिलेट से रिबार बनाना शुरू कर दिया क्योंकि बिलेट इतना सस्ता पड़ा था कि इनहाउस वो रादर बनाए इससे ज्यादा सस्ता पड़ा था कि वो बिलेट मैन्युफैक्चर खरीद लें, इम्पोर्टेड बिलेट खरीद लें। तो अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने उसको ऑलमोस्ट 30% की ड्यूटी लगा दी आरडी बिलेट्स पे, जिससे उसकी जो इम्पोर्ट है वो बिल्कुल ही बंद हो गई एकदम से। अच्छा, अब हमारा जो दो स्टील है सिंपली वो सिर्फ करता ही रीरोलिंग है, मींस वो बिलेट लेकर ही बार बनाता है, वो उसके पास बेसिकली बिलेट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मौजूद नहीं है। सही है, अब बिलेट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मौजूद नहीं है और मार्केट में इतना बिलेट अवेलेबल भी नहीं होता, और जो अवेलेबल होता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो जाके अच्छे ब्रांड से कॉम्पीट कर सके, ठीक है। जिसकी वजह से जो दो स्टील का फ्यूचर है बेसिकली वो काफी ज्यादा डार्क ही है फिलहाल, जो कि काफी मुश्किल लगता है इस सिचुएशन में कोई आरडी हट जाए बिलेट्स पे से और दोबारा से इंपोर्ट आना शुरू हो जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास नियर टू जीरो है फिलहाल इस सिचुएशन में, तो जब तक तो इनके लिए काफी मुश्किल है। दूसरा रहा सवाल कि ये अपना मेल्टिंग का फर्नेस लगा ले कि खुद ये भी स्क्रैप लेकर और बिलेट बनाना शुरू कर दे, बिलेट से रीरोल करे, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा चाहिए और मेरा नहीं ख्याल कि दो स्टील अब इस पोजीशन में कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सके, ऑलरेडी वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर से ले चुका है और उसपे उसने क्या नाम है ये अपना रीरोलिंग का प्लान था उसको रिवैम्प किया था, ठीक है। उसके असर में दूसरी जाने उसने जिस कंपनी ने उसमें सरमायाकारी की है CSIL वालों ने, तो उनके अपनी हालात कुछ अच्छे नहीं है, तो उनकी फर्दर कैपेसिटी नहीं है कि वो फर्दर पैसा फ्लो इन करें, और प्लस हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में कॉस्ट ऑफ डेट भी काफी हो गई है। अच्छा, मैंने नाज़रीन को अरसलान ये कहा है कि आपसे जो भी कनेक्ट कर सकता है करना चाहता है, जेएस ग्लोबल से जो कनेक्ट करना चाहता है और आपसे पोर्टफोलियो एडवाइजरी लेना चाहता है तो वो कमेंट्स के ऊपर यस कर दे, तो आई थिंक आई हैव गॉट लाइक 7 to 8 ऑलमोस्ट 10 पीपल सेइंग यस इन द कमेंट्स, तो मैं आपको इनकी जो लीड्स हैं मैं आपको दे दूंगा,
आप उसको अपनी टीम के थ्रू मटेरियलाइज करिएगा, देखिएगा। और नाजरीन आपको मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, जो भी एनालिस्ट मैं यहाँ प्रोग्राम में लेकर आता हूँ उसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि आप किसी ब्रोकरेज हाउस की लैंडलाइन पे कॉल करते हैं तो आपको अरसलान नहीं मिलेगा, क्योंकि अरसलान इज यूजुअली स्टक विद हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स या इंस्टीट्यूशंस, तो वो आप तक उनकी रसाई नहीं हो पाती। और आपको डायरेक्ट मिलता है ट्रेडर, और ट्रेडर अक्सर जो है वो आपको आपको जिसे हम उर्दू जबान में बोलते हैं हलाल कर देता है, तो वो एक बड़ा मसला होता है। तो अच्छे एनालिस्ट मार्केट में मौजूद हैं लेकिन आप तक उनकी रसाई नहीं हो पाती। अगर आप ब्रोकरेज हाउस, जिस भी ब्रोकरेज हाउस के साथ काम करें, अच्छे एनालिस्ट तक अपनी रसाई जरूर रखें। अगर वो आपको रसाई नहीं देते तो आप उन हाउसेस के साथ नहीं काम करें। तो जरूर देखें कि जो एनालिस्ट उस हाउसेस के अंदर मौजूद हैं उन एनालिस्ट तक आपकी रसाई हो, वो दे हेल्प यू डिवेलप द पोर्टफोलियो, दे हेल्प यू डिवेलप द टाइमलाइन फॉर द पोर्टफोलियो, दे हेल्प यू डिवेलप द रीएलोकेशन प्लान फॉर द पोर्टफोलियो, ओनली देन यू शुड वर्क विद देम, अदरवाइज यू शुड नॉट वर्क विद देम। सो बिकॉज इस तरह के बेयर साइकिल में, जिस तरह अरसलान ने आपको बताया कि तीन सेक्टर डिस्कस किए, तीनों के तीनों सेक्टर बेयर साइकिल में चल रहे हैं, तीनों के तीनों सेक्टर की कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लॉसेस में एक्सपेक्टेड है, और आप तीनों के तीनों सेक्टर्स के अंदर लॉन्ग होते हैं हमेशा और ट्रैप होते हैं और लॉसेज उठाते हैं, तो आपको खुद भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे आप क्या कुछ फंडामेंटली रॉन्ग चीज कर रहे हैं जिसकी वाइज प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अच्छा, मुझे आई थिंक आई हैव गॉट लाइक 15 पीपल सेइंग यस आफ्टर योर टॉक। अच्छा अरसलान, मुझे ये बताइए कि जो बजट, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करके ना एक चीज ऐड कर दूं, जी प्लीज, एवरीथिंग हैज इट्स प्राइस ना। अब क्योंकि मैं अगर तीनों सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा बेरिश हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब बाय बनती ही नहीं है। बिल्कुल, अब कोई प्राइस ऑब्वियसली सबकी होगी ऐसी जरूर जहाँ पे बाय बनी, अभी जो प्राइस है जहाँ पे बाय मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी अगर कोई अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहा है उसके लिए वो प्राइस काफी दूर है। हाँ देखिए, इसमें एक जरूर, आपकी आवाज बहुत कट रही है, सॉरी हमारी, हाँ थोड़ा करीब आ जाइए, जी जी प्लीज अब बोलिए। जी जी, हाँ देखिए, इसमें इसमें जो फिलहाल जो सिचुएशन है ना वो इस तरह से होती है बिल्कुल कि अगर लेट्स से अमरेली आज अगर मैं प्राइस बात करूँ 25 का अमरेली है, ठीक है, यहाँ से इसमें डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है हमारे हिसाब से, जो अभी फिलहाल आज तक जितनी कंडीशन है उस हिसाब से डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो 25 से अब कभी बढ़ेगा ही नहीं, वो 25 से जरूर बढ़ेगा और शायद काफी ज्यादा भी बढ़े, बट उसके बढ़ने में टाइम लगेगा। तो बेहतर ये है कि आप बेहतर टाइम पे और थोड़ा सा वेट करके अपना पोर्टफोलियो अच्छे स्टॉक में बिल्ड कर लें, रादर कि आपको अगर कोई स्टॉक 100 का 25 में मिल जाए और आप बोलें बहुत सस्ता हो गया अब मैं लेकर रख लूँ, तो उसमें क्या नाम है, इससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप किसी अच्छी एडवाइस लेकर उसको अच्छे टाइम पे बिल्ड कर लें। ऑब्वियसली बिल्कुल बिल्कुल राइट टाइम पे तो कोई भी बाय नहीं करवा सकता, बट एटलीस्ट उससे बेहतर होगा जो कि शायद एक नॉर्मल बंदा जज कर रहा होगा कि उसको बेहतर लग रहा होगा रिटर्न, उससे एटलीस्ट उससे तो बेहतर ही टाइम होगा कि जो एक एनालिस्ट आपको एडवाइस करेगा। ठीक है, दूसरा एक और भी पर्सपेक्टिव होता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा थोड़ा चार्ट पढ़ना आना चाहिए। जब वो कंपनी जो इवन जो लॉसेस में उठा रही हैं उनको अगर आप देखें कि वो एक खास उनके चार्ट पे पोजीशन आई है और एक ह्यूज वॉल्यूम आया है और वीकली चार्ट्स के ऊपर वहां पे एक स्ट्रांग सपोर्ट आ रही है, तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल्स वे अहेड ऑफ टाइम। तो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को चार्ट्स को भी देखना, और मार्केट टोन कैसी है। अब अगर मार्केट वहां 32,000 से रिबाउंड कर रही थी तो वहां पे आपको हर स्टॉक ने 20-25% रिटर्न दे दिया, चाहे कंपनीज वही सारी कंपनी जिनके एक्सपेक्टेड थे कि अगले 2 साल में वो लॉसेस करेंगी, उन तमाम कंपनीज ने आपको 25% रिटर्न दे दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो तमाम कंपनीज अच्छी हैं। अब जब मार्केट में थोड़ा सा इस्तेहकाम आया तो आपने देखा होगा कि जो दूसरी कंपनीज थी वो ज्यादा तेजी से गिरी कंपेयर टू दो वो कंपनीज जो के जिनके फंडामेंटल अच्छे थे। तो यहाँ पे एक अच्छे एनालिस्ट का डिफ्रेंसिएशन आपको नजर आएगा। अगर आप अमरेली स्टील या इस तरह की लॉस मेकिंग कंपनीज लेते तो ऑल्दो उन्होंने 25% रिटर्न दिया आपको उस प्राइसेस से, क्योंकि मार्केट टोन बहुत पॉजिटिव, तो पैसा पूरी आउट थ्रू आउट द मार्केट हर स्टॉक में आया क्योंकि यूफोरिया डेवलप हो गया, एक तरह का हिस्टीरिया डेवलप हो गया, इसकी वजह से आपने हर चीज में बाइंग देखी। लेकिन जब मार्केट में इस्तेहकाम आया तो वीक भी पड़ने वाले वो पहले स्टॉक थे जो कि जिनको जो फंडामेंटली वीक थे ज्यादा। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, इसी तरह से बिल्कुल होता है। देखिए इसमें वही बात है, रिस्क वाली भी बात है ना, अगर अगर लेट से आपको मार्केट मार्केट का मोमेंटम अच्छा लग रहा है, मार्केट मोमेंटम बनाती हुई लग रही है आपको, तो आप लेस रिस्की स्टॉक्स में जाए रादर के आप बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक्स में चले, तो शायद रिटर्न आपको ज्यादा मिल जाए रिस्की स्टॉक में, बट उसमें जो चांसेस है वो काफी कम होता है। इसलिए आपने बताया कि लेस रिस्की स्टॉक्स में आप आइए लेस रिस्की है कंपैरेटिवली,
आप लकी फौजी लेस रिस्की है कंपैरेटिवली, उसमें लकी ज्यादा लेस रिस्की है, तो लेस रिस्की स्टॉक्स में चलाएं, उसमें बेहतर ये होगा कि आप भी जो है कंफर्टेबल होंगे, आपकी भी जाहिर है एक थोड़ा सा रिलीफ आपको फील होगा कि हाँ एटलीस्ट हम स्टॉक जो है वो बेहतर पिक करेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे आप ये बताइए अरसलान कि अभी बजट के बाद व्हाट इज योर, बिकॉज देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स राइट नाउ। पहला वीक बजट के बाद साइक्लिकल्स का ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उसमें मंदी आएगी, तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग आई, वो मंदी नहीं आई। दूसरा वीक में जाके इंडिविजुअल्स हो गए बुलिश साइक्लिकल्स के अंदर अगेन, और वहां से इनकी थोड़ी सी पिटाई शुरू हो गई साइक्लिकल्स की। हाउ डू यू सी राइट नाउ साइक्लिकल्स, दैट अगर कोई इन्वेस्टर डेढ़ से दो साल का पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा है, इज इट द राइट टाइम टू गेट इनटू साइक्लिकल्स और वन शुड वेट? नहीं देखिए, इसमें तो आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, थोड़ा कैन यू प्लीज। इसमें अगर आप देखें ना, पोस्ट बजट जो भी हमारी रैली आई ना, वो थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी कि पोस्ट बजट एक रैली जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, कि वही वाली बात है कि बाय रूमर एंड सेल ऑन न्यूज वाली बात है कि बजट से पहले सारी बजट की नेगेटिव चीजें आना शुरू हो गई थी और एक्सपेक्टेशन मार्केट में बिल्ड हो गई थी कि बहुत ज्यादा बजट जो है वो कॉर्पोरेट फ्रेंडली बजट जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। उसके बाद जब वो बजट आया तो ऑब्वियसली वो कॉर्पोरेट फ्रेंडली था भी नहीं, और बहुत सारी उसमें चीजें आती भी है स्टिल ऐसी है जो कि कंपनीज तो बहुत ही दूर की बात, एनालिस्ट भी दूर की बात, कंपनीज भी बहुत दूर की बात, जो टैक्स कंसल्टेंट है बेसिकली उनको भी नहीं समझ में। आपको एक बिल्कुल ही एग्जाम्पल बताऊँ, बेसिकली उन कॉर्पोरेट जो भी टैक्स कंसल्टेंट है उनको भी प्रॉपरली समझ में नहीं आया, और आज भी काफी मीटिंग थी एफडीआई ऑफिशियल्स के साथ, काफी कंपनी की सेक्टर वालों की थी, काफी लोगों की थी, डीलर्स सीमेंट डीलर्स वगैरह वालों की, काफी चीजें नहीं समझ में आ रही। तो अभी तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन हमें समझ में भी नहीं आई है, जो कि सारी नेगेटिव ही है, वो फर्दर नेगेटिव ही है, वैसे भी नहीं आई है। तो जो बजट है वो मेरे ख्याल से जो बजट रैली थी वो एक एक्सपेक्टेड थी, वो बजट रैली आई, बट मेरे ख्याल से जो रियलिटी है वो अब रियलिटी चेक वाली जो बात उठी ना, वो मेरे ख्याल से अब मिलेगा मार्केट को, और मार्केट जो है वो हम देख सकते हैं कि शायद प्रेशर फील करे इस चीज का, क्योंकि जाहिर है जो जो हमारी कॉर्पोरेट की सिचुएशन है, जो हमारी जी सॉरी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि अब जो एक पोस्ट बजट रैली है वो मेरे ख्याल से आई और वो बिल्कुल आ गई है। अब जो एक रियलिटी चेक वाली चीज होती है कि जो नेगेटिव है वो तो है अपनी जगह मौजूद, तो अब मेरे ख्याल से वो नेगेटिव वापस से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, प्लस हमें जो है रूपी का भी कोई अभी फिलहाल कमिंग मंथ में जो आउटलुक है वो कोई अच्छा नहीं लग रहा, रूपी काफी वीक लग रहा है, तो वो भी जो कि इंडिविजुअल अब ट्रैक कर रहे हैं, एक कतर से कुछ सरमायाकारी की खबरें आ रही हैं, और दूसरा ये स्टेट बैंक की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है रजा बाकर की, तो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट, व्हाट इज योर जनरल सेंटीमेंट अबाउट इट? देखिए मुझे तो बेसिकली अगर आप मुझसे पर्सनल पूछे ना, तो जब भी ये कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस या मार्केट को समझने थोड़ा सा कुछ डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं, ये मीन कॉर्पोरेट्स को, वहाँ पे थोड़ा सा अलार्म ही मेरा तो रिंग करने लग जाता है कि हर दफा जब जब गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई मेजर लेने की कोशिश की, उसके बाद एक हमने देखी है। लास्ट सबसे पहला केस जब इन्होंने फॉरेक्स डीलर्स मीटिंग के बाद में कोई फिर बहुत ज्यादा ये शुरू हो गया था ईद से पहले बेसिकली, कि अब जो है वो रुपी पर सीधा स्टेबल हो गया और बहुत ज्यादा फ्लोज आ गए हैं, बस जो इतनी होनी थी डेप्रिसिएशन हो गई, एक पूरी वेव बना दी थी गवर्नमेंट ने, उसके बाद एकदम से बहुत बड़ी हमने डेप्रिसिएशन देखी, और अगेन ये दोबारा से टीवी पे आके और समझान बताना कि क्या हो रहा है एक्सचेंज रेट के साथ हमारे, और तो जो बेसिकली उन्होंने बातें बोली हैं, डायरेक्ट अभी अगेन मीडिया ने कुछ पॉजिटिव भी कोट किए, बट उन्होंने इस तरह से बोला है कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है डायरेक्ट वो शूटिंग है, अगर हमें आपकी आवाज सुन रही है? हाँ सॉरी, जो उन्होंने बोला जैसे कि एक उन्होंने क्वेश्चन किसी ने करा, वो उसी का जवाब दे रहे थे कि लोगों के माइंड में ये चीज है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जब तक ये जीरो नहीं हो जाता, जब तक फ्लोटिंग अगर हमारा एक्सचेंज रेट होगा तो हमारा जो रुपये वो वीके नहीं होता रहेगा। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता, सिर्फ ये फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर्स होते हैं,
ये सिर्फ ये फैक्टर नहीं है जिससे आप बोलें कि जीरो ही होगा तो क्या नाम है रुकेगा, बट ये फैक्टर नहीं है। बट जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया तो उसमें ये चीज थी कि हाँ ये एक जरूर फैक्टर है कि जब तक हमारा जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा कम नहीं होता फर्दर या बहुत मिनिमम लेवल पे नहीं आता जब तक हम डेप्रिसिएशन देख सकते हैं। और वो भी बात भी कर रहे थे देखिए अभी भी स्टिल सिचुएशन पर किस तरह से है कि हमने जो डिजायर्ड लेवल है हमारा हमारी इम्पोर्ट्स का वो हमने उस पर अचीव नहीं करा जो हमें एग्रीगेट डिमांड जिस तरह कम करनी है उस लेवल तक कम नहीं हुई है। देखिए अगर 6.5 बिलियन का $6.5 बिलियन का अगर गवर्नमेंट करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्ट कर रही है तो इसमें समझ लें यहाँ से जो इम्पोर्ट लेड सेक्टर जितना भी है उसकी डिमांड यहाँ से आधी कर जाए क्योंकि अभी मोर और लेस तकरीबन ऑन एवरेज चले हम रिसेंट मंथ का लगाया 12 बिलियन का ऑन एवरेज डेफिसिट बैठ रहा है इस हिसाब से। तो अब गवर्नमेंट को और ज्यादा इसको हाफ पे लेकर आना है। हमें अब दिख रहा है कि एक्सपोर्ट तो बढ़ती नहीं दिख रही फिलहाल हमें नेक्स्ट ईयर में जो फिलहाल सिचुएशन हुई है एक्सपोर्टर्स के साथ तो इम्पोर्ट ही कम करनी पड़ेगी। इम्पोर्ट कम करने के जाहिर है तो जितनी भी सारी हमारी इंडस्ट्री है वो इम्पोर्टेड गुड्स पे ही डिपेंडेंट है तो सबकी सबको डिमांड जो है वो कम हो चुकी। ठीक है ठीक है। सो जनरली यू आर लिटिल कंसर्न अबाउट दी साइक्लिकल सेक्टर्स ओवरऑल, इज देयर एनी यू कवर दीस थ्री सेक्टर्स राइट नाउ? यस। ठीक है, ओवरऑल मार्केट के बारे में हाउ डू यू फील, मतलब व्हाट इज द जनरल फीलिंग, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ फॉरेनर्स हु आर बाइंग इनटू दिस मार्केट जनरली एज अ लेमैन, हाउ डू यू सी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज राइट नाउ? Is it a preferred asset class or not? Or in what sectors? देखिए अगर preferred की बात करें तो मेरे ख्याल से मसला यही हुआ है मर्जिंग वाला जो सबको ही पता है कि दोबारा से रिपीट करने का तो हमें बाबर होंगे। आपकी आवाज़ कम हो रही है भैया। जो इन्फॉर्मर्स का जो जो भी सिचुएशन पता है वही एक स्टोरी है फिलहाल वही सबके पास है वही हमें भी पता है वही है भी एक्चुअली के जब से हम जा रहे इमर्जिंग मार्केट में गए तो हमारा जो साइज है वो बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से हमने काफी ज्यादा जो है वो फॉरेन आउटपुट होता है। अभी भी फिलहाल जो है वो अगर हम तो बात करें हम जा रहे हमारे पास फॉरेन वगैरह काफी एक्टिव की बात कर रहे होते हैं तो हमें जो व्यू फिलहाल जो मिलता है वो फिलहाल यही है कि डेप्रिसिएशन है वो फर्दर एक्सपेक्ट कर रहा है और फिलहाल काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप फर्दर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, व्हाट इज योर रेट दैट यू एक्सपेक्टिंग? फॉरेनर्स जितने भी हैं जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन हैं फॉरेन डेप्रिसिएशन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिलहाल, उनको भी फिलहाल स्टेबल होता हुआ दिख नहीं रहा अभी फर्दर उनको लगती है डेप्रिसिएशन। तो आप रुपी ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रुपी हम जहाँ जहाँ फर्स्ट हमें जा रहे हैं यहाँ से कितना वीक लग रहा है तो हमें तो अभी तक जितना हमारे पास इनफ्लो प्रोजेक्टेड है, आउटफ्लो तो पता है ना हमें कितना होना है। ठीक है, तो ना इनफ्लो प्रोजेक्टेड है उस हिसाब से देखें तो हम सरप्राइज नहीं होंगे कि अगर ये 200 का भी रेट होगा, 200 का भी रेट होगा तो आप सरप्राइज नहीं होंगे ना। आज तक कितने इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से आप कह रहे माशाल्लाह से पाकिस्तान का तो सिचुएशन इस तरह से कहीं से कोई एड आ जाती है तो अगर इस तरह की तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है हमारे आउटलुक के लिए, बट फिलहाल 200 रुपीज भी अगर होगा तो उसमें भी सरप्राइज नहीं होगा। ठीक है आई थिंक आपने लेकिन हम सबको सरप्राइज कर दिया जाते जाते 200 के ऊपर। अरसलान, आई एम रियली हैप्पी दैट यू केम ऑन द शो। नाज़रीन, आप अरसलान से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में यस कर दीजिए सो दैट हम उनकी टीम को दे देंगे, दे कैन प्रोबब्ली सेट अप अ सेशन फॉर यू एंड इफ यू प्रोबब्ली लाइक इट देन यू कैन सेट अप अ बिजनेस फॉर JS ग्लोबल कैपिटल। हमारा मकसद ये होता है कि वो एनालिस्ट जिनसे आप कनेक्ट नहीं हो पाते उनसे कनेक्ट करें। और सिर्फ एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भी मसला ये होता है कि ना वो कमीशन देने को तैयार होते हैं, दूसरा मसला ये होता है वो पूछ पाछ के अपना काम करते हैं कहीं पे भी। अगर कोई बंदा आपको टाइम दे रहा है और आपको एक वैल्यू एडेड सर्विस दे रहा है तो आपको उसके कम से कम एक कर्टेसी होती है कि आप उसके साथ काम करें। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, मैं आपको इन एनालिस्ट तक कनेक्ट तो करा देता हूँ लेकिन उसके बाद आपको यू हैव टू बी कर्टियस इनफ कि आप उनके साथ अगर काम कर रहे हैं तो यू हैव टू डू बिजनेस, अपनी ज्यादा सारे चेक्स कर लें पहले उनके साथ। बिकॉज ये मैं आपको बड़ा लाइव शो पे कहता हूँ कि मेरा JS ग्लोबल या किसी ब्रोकर के साथ कोई कमीशन का स्ट्रक्चर नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल ही इम्पार्शियल होके कनेक्ट कराता हूँ सो दैट आप थोड़ा लर्न कर सकें बिफोर यू मेक द डिसीजंस ऑन whether you should stock
invest in a stock and in what sector you should take exposure and what should be your strategy right now in this market. So if you're saying yes, then you should better be prepared. If you they might go and help you out, but you should also decide ki agar aap 25 broker ke sath kaam karte hain to kaun sa broker aapko value added service deta hai aur kaun sa nahi deta. Arsalan, thank you very much for being on the show. Main aapko jaldi dobara bhi leta rahunga ek do weeks ke gap se, and I'm really happy that you came. Thank you so much. Allah Hafiz. अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि तीन साइक्लिकल सेक्टर्स से जिसपे हमने आज बात की और सब में कुछ ना कुछ कंसर्न्स मौजूद हैं. लेकिन अगेन जो दो न्यूज़ हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में, एक तो कतर, ये एक तरह का कभी मैंने जब देखे, मैंने आपको सीधे सीधे बताऊंगा मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं. जब इमरान खान हुकूमत में आया तो हम सब बुलिश थे, सारे जो यूथिये थे वो सारे बुलिश थे कि अब पता नहीं बम फटने वाला है पाकिस्तान के अंदर और पता नहीं क्या तरक्की आने वाली, और सबने स्टॉक्स बाई किए और ये नहीं देखा चार्ट्स के ऊपर कि हम सबके स्टॉक्स बाय करने की वजह से मार्केट इतनी नहीं बढ़ रही. इसका मतलब दूसरी साइड पे कोई सेल कर रहा था और इंस्टीट्यूशंस माल बेच रहे थे अपना, तो उन्हें पता था रियलिटीज का. तो आप हमेशा प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस जरूर देखें चार्ट्स के ऊपर कि आपकी या ओवरऑल कलेक्टिव इंडिविजुअल्स की बाइंग से कुछ हो भी रहा है नहीं हो रहा. अगर नहीं हो रहा तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में प्राइस वॉल्यूम एक्शन आपको बता रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है. तो यू शुड बेटर वेट और थोड़ी सी और कंफर्मेशन लें बिफोर यू गो ऑन टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक. अच्छा, मैं हमेशा हर प्रोग्राम के आखिर में, नेक्स्ट प्रोग्राम्स के अंदर मैं एक और काम करूंगा कि मैं एक बुक स्टार्ट कर रहा हूं. हर प्रोग्राम के अंदर उस बुक का एक चैप्टर आपके सामने उसकी समरी पेश करूंगा जो कि ट्रेडिंग से मुतालिक होगी, इन्वेस्टिंग से मुतालिक होगी, और उसका जिस्ट बनाऊंगा, एक गेस्ट को लूंगा, एक चैप्टर की समरी दूंगा और एक अपना मार्केट का एक एनालिसिस दूंगा. जिस तरह हम आपने लास्ट प्रोग्राम भी ट्रैक किया हमारे, और उसमें आपको पता चला किस तरह मैंने इन्वेस्टर्स लाउंज को यूज करते हुए एक मार्केट की स्टोरी डेवलप की, मैं आपको आज की मार्केट की स्टोरी भी डेवलप करके दिखाता हूं कि आप इसको किस तरह डेवलप कर सकते हैं. लेट मी सेलेक्ट ऑल सेक्टर्स पीरियड वैल्यू एंड टेल यू के मैंने आज की जो मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ मार्केट में सीखने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए, तो उसके ऊपर भी मैं एक अपना व्यू बताता हूँ कि मैंने आज हाउ डिड आई अप्रोच द मार्केट विद दो इम्पॉर्टेंट स्क्रीन हैं इन्वेस्टर्स लाउंज की जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ. ऑल्दो सारी स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन हैं जिसको मैं यूज़ करता हूँ जब भी टूल्स डिज़ाइन करता हूँ तो उनको बड़ा फोकस करता हूँ. एक तो मेरा मार्केट हीट मैप है जो कि मैं हमेशा खोल के रखता हूँ, और मार्केट हीट मैप में खास तौर पर मैं जो चीज़ें देखता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ. एक तो मैं चीज देखता हूं कि जब मार्केट ओपन हो रही है तो कौन सा बॉक्स बड़ा बन रहा है, तो इसी जो और वो बॉक्स है बाय ट्रेडेड वैल्यू. तो जिस स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड वैल्यू होती है तो मैं उसमें बड़ा केयरफुल हो जाता हूं. तो अगर उसमें ज्यादा ट्रेडेड वैल्यू हो रही है तो मैं पहला दूसरा काम ये करता हूं कि उसी स्टॉक का जाके टेक्निकल एनालिसिस टूल के अंदर, खासतौर पर मैं अगर सिंगल एनालिसिस टूल खोलूं, उस स्टॉक की मैं डेली चार्ट्स और उसके वीकली चार्ट्स जरूर खोल के बैठता हूँ और उसका एक आर्ली चार्ट खोल के बैठता हूँ. तीनों चार्ट्स को देखते हुए मैं उसका एक पर्सपेक्टिव लेता हूँ. अगर तो वो स्टॉक में जिसमें वॉल्यूम हुआ है या वैल्यू हुई है, अगर तो वो स्टॉक अपने वीकली सपोर्ट या वीकली रेजिस्टेंस या डेली सपोर्ट डेली रेजिस्टेंस या आर्ली सपोर्ट आर्ली रेजिस्टेंस में मौजूद हो तो मैं देखता हूँ कि अब मैं ये स्टोरीज की कैसी बिल्ड करूँ कि ये क्या डेली भी सपोर्ट पे मौजूद है, वीकली भी सपोर्ट पे मौजूद है और आर्ली भी सपोर्ट में मौजूद है और वॉल्यूम बहुत हो रहा है. अगर ये तीनों चेक लगते हैं मेरे उस पे एनालिसिस पे तो फिर मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अब मुझे पता लगना चाहिए कि ये स्टॉक क्यों बढ़ रहा है. देर इज अ डोमिनेंट एक्शन इन द स्टॉक, बट ये हीट मैप पे मुझे ये सवाल पूछता हूँ कि ये क्यों बढ़ रहा है. अब जब मैं ये देखता हूँ कि क्यों बढ़ रहा है तो फिर मैं फंडामेंटल जाता हूँ. अब मैं प्लेटफॉर्म पे जाके उसकी रिसर्च पढ़ता हूँ और फिर तलाश करता हूँ कॉस्ट एंड वैल्यू उसके ड्राइवर्स कि यार इसके बढ़ने की वजह क्या है. एक और भी चीज करता हूँ मैं कि मैं ये देखता हूँ कि क्या वो मखसूस है खाली कंपनी बढ़ रही है सेक्टर में या पूरा सेक्टर बढ़ रहा है. अगर तो पूरा सेक्टर बढ़ रहा है तो फिर मैं देखता हूँ कि सेक्टोरल क्या पॉजिटिव हो सकते हैं तो उनको तलाश करता हूँ. फिर मैं देखता हूँ कि अब यहाँ से अगर सेक्टोरल कोई ऐसी चीज मुझे नजर आ रही है कि जो एक्सपेक्टेड थी अभी न्यूज में नहीं आई है या रिसर्च में नहीं आई है लेकिन कभी मेंशन की गई थी और स्टॉक के अंदर प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस ये बता रहा है कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर सपोर्ट आ रही है और मोमेंटम बन रहा है, तो फिर मैं दूसरा काम ये करता हूँ कि मार्केट को देखता हूँ. अगर मार्केट भी की सपोर्ट लेवल पे मौजूद है
तो फिर मुझे तीसरा चेक भी हो जाता है कि मार्केट भी की सपोर्ट लेवल पे मौजूद है, स्टॉक भी की सपोर्ट लेवल पे मौजूद है वीकली डेली चार्ट के ऊपर, और उसमें वैल्यू भी आ रही है और उसका कोई ट्रिगर भी हो सकता है और वो रिलेटिवली मार्केट में इस हीट मैप के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अब ये चार पांच चेक्स जब आपके पास आ जाते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको आपको ये देखना है फिर कि क्या, जैसे मैंने जो काम किया मैं उसमें टेस्टिंग पोजीशन लेता हूँ। टेस्टिंग पोजीशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, ये बात मेरी याद रखना कि मैंने बहुत लॉसेज उठाए हैं। आई एम श्योर आप भी सारे आजे से यहाँ मार्केट में लॉसेज उठा के ही बैठे होंगे, तभी सीखने बैठे हुए इस टाइम पे 10:30 के करीब मेरे साथ। हमेशा हमें पहले टेस्टिंग पोजीशन लेनी है, आपने ये तमाम चेक लगा दिए उसके बाद आपको टेस्टिंग पोजीशन लेनी है। पहले टेस्टिंग पोजीशन वो होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि आप ये स्टॉक 10 लाख से खरीद सकते हैं तो आपने देखा कि आप थोड़ी सी टेस्टिंग पोजीशन लें इसके अंदर प्रोबेबली 20,000 से, दिस इज द टेस्टिंग पोजीशन। अगर आप 10,000 शेयर खरीद सकते हैं तो आप उस शेयर को स्टार्ट करें 1,000 से और आप देखें कि जो आपका एनालिसिस था वो उस तरह काम कर रहा है जिस तरह आपने प्लान किया था, प्राइस आपकी डायरेक्शन में मूव कर रही है, आपको स्ट्रेंथ मिले उसके ऊपर और एड ऑन करें और स्ट्रेंथ मिले और एड ऑन करें, और ये काम बहुत जल्दी नहीं करें इमोशंस में आके कि 5-5 मिनट में एड ऑन करना शुरू कर दिया, आराम से ठंडे रिलैक्स कहीं नहीं जा रहा स्टॉक। एक जो वो लोग या वो ट्रेडर जो आपको बेवकूफ बनाते हैं कि स्टॉक निकल जाएगा, स्टॉक में कैप लग जाएगा अभी ले लें, उनके साथ काम करना छोड़ दें आप, कि जो आपको ये बोले कि स्टॉक निकल जाएगा, तमाम तर स्टॉक अगले 10 साल में भी आपको मिल जाएंगे अच्छे रेट्स के ऊपर, तो आप भागे नहीं, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हर दिन आपको मिलेंगी। सो आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाएं, पहले तो मेंटली स्ट्रांग बनाएं। जब आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाएंगे तो होगा क्या कि आप इम्पल्सिव नहीं होंगे, जब आप इम्पल्सिव नहीं होंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी होगी अपनी पोजिशंस को कम लॉस पे काटने की जब वो आपकी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, और आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि उस पे मजीद ऐड करने की विद कॉन्फिडेंस बिकॉज इट्स ऑलरेडी मूविंग इन योर डायरेक्शन। सो इन बोथ केसेस योर रिस्क और जो रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी होगी वो आपकी बड़ी अच्छी बनेगी और आप कॉन्फिडेंस के साथ मूव करेंगे, रादर कि आप किसी एक प्राइस के ऊपर सारे स्टॉक बाय करें और फिर हर अगले 5 से 10 मिनट तक उसको देखते रहें कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, ऊपर जाए तब भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सारे बाय कर लिए, अब नीचे जा रहा है तब भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बाय तो पहले ही कर चुके हैं, अब नीचे क्या बाय करेंगे, तो कॉन्फिडेंस में बाय करें। आज मार्केट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस दूं, मैं कुछ स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट था, लास्ट वीक भी शॉर्ट था, साइक्लिकल्स के अंदर मैं थोड़ा शॉर्ट था, मैं शॉर्ट्स नहीं काटे बिकॉज अगेन आप कभी भी, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कभी भी जो है ना 100% ऑप्टिमल स्ट्रेटजी नहीं लेकर आएंगे मार्केट के अंदर, आप अकले कुल नहीं है, आपको प्रोबेबिलिटी का गेम आना चाहिए। आपने बड़ा पोर्टफोलियो बनाया, 8 से 10 स्टॉक रखे या कम से कम 6 स्टॉक रखे और उनके अंदर डिवाइड किया और एवरेज बाइंग की, और कुछ स्टॉक्स आपके एज के ऊपर के मुताबिक चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, जो नहीं चलेंगे उनको एक रिस्क मिनिमाइजेशन के मुताबिक उनके ऊपर लॉस बांधना बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ डाउन नहीं बढ़ाने आपको कि गिर रहा है तो छोड़ दो, आपको एक टारगेटेड लॉस उसके ऊपर बांधना है कि यार मैं इसको इसमें ड्रॉ डाउन फर्दर नहीं बढ़ाऊंगा, और जो आपके मुताबिक चलने उसमें पोजीशंस ऐड करनी है, और यही काम आपको मुसलसल करते रहना है। अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग शॉर्ट दोनों की तरफ हैज रखें। इस मार्केट के अंदर, जिस मार्केट के अंदर आप एक बेयर साइकिल के अंदर हैं, रुपी गिर रहा है, डिस्काउंट रेट ऑलरेडी वेरी हाई है, एलोकेशन पोर्टफोलियो रीएलोकेशन भी हो रही है फ्रॉम साइक्लिकल्स टू रिलेटिवली सेफ सेक्टर्स एंड प्रोबेबली आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट ऑल टुगेदर बिकॉज बैंकिंग की स्कीम्स आपको फिक्स अगर 13% दे रही है तो आपको यहाँ पे इतनी टेंशन और दिमाग के दिमाग खराब करने की इतनी जरूरत है नहीं एक्चुअली। तो इस सूरत हाल के अंदर आपको बहुत ही एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए, और व्हाट आई रिकमेंड अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स, आप थोड़ी थोड़ी शॉर्टिंग को सीखें। अगर आपको रिस्क मैनेज करना है अपने पोर्टफोलियो का, यू शुड लर्न हाउ टू शॉर्ट। तो एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि ये पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में ये मसला है, कि वो ये बोलते हैं कि शॉर्टिंग, एक अमेरिकन ऑथर था तो वो ये बोलता है कि अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट शॉर्टिंग इज अन अमेरिकन, ये अमेरिकन तरीका ही नहीं है कि हम तो सिर्फ लॉन्ग ही जाएंगे, एक साइड के इन्वेस्टर बनेंगे। इमेजिन अगर शॉर्ट मार्केट में बैठे हुए हैं तो अगर मार्केट का प्राइमरी साइकिल ही बेयर है और जो अगले पिछले 2 साल से 1.5 साल से चल रहा है, इस मार्केट में आपने लॉन्ग करके कुछ नहीं कमाया,
आप 2 साल में देख लें, आपने अगर 4 स्टॉक्स कोई भी सिलेक्ट कर लें और उनका पोर्टफोलियो बना लें, तो आप 1.5-2 साल में आप कुछ नहीं कमा के बैठे हैं। तो इसका मतलब ये कि एक मार्केट में, बेयर मार्केट में इस तरह की स्ट्रेटेजी काम ही नहीं कर पाई। अब प्रोबेबली अब वेरी क्लोज टू एंटरिंग द लास्ट लेग ऑफ द बेयर साइकिल, जिसमें क्वार्टरली लॉसेस शो होंगे कंपनीज के अंदर और एक तरह का कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी उड़ेगी। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि इसी वो लास्ट बेयर साइकिल होगा जिसमें आपको देखना है कि कौन सी कंपनीज हैं जो कि अपने बेयर साइकिल से इमर्ज हो रही हैं और अपने बुल साइकिल में जा रही हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड चार्ट्स। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट प्रोग्राम्स में डेडिकेटेड थोड़ा चार्ट्स के ऊपर भी बात करें कि चार्ट्स में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो कि इन्वेस्टर्स लाउंज प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। नाज़रीन, यू कैन शेयर आवर शो, यू कैन विन अ चांस टू गेट 1 month फ्री मेंबरशिप ऑफ इन्वेस्टर्स लाउंज जो कि हम देते हैं सर्टेन सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को। आज की भी अनाउंस किए, कल की भी अनाउंस किए थे हमने। तो यू कैन शेयर आवर प्रोग्राम। तो द ओनली की कंसर्न इज, अब आज की मार्केट में मैं फुल्ली हेज्ड हूँ, प्रॉफिट्स में हूँ एंड रिलैक्स्ड हूँ, कोई टेंशन नहीं है। उसका रीजन यही है कि आपने जब अपनी प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक बार सीख ली, बिकॉज इट्स बेसिक्स बेसिक्स नहीं है, आई एम सॉरी, बहुत से फाइनेंस के टॉप एग्जीक्यूटिव्स भी लॉसेस बुक करते हैं इमोशनल होके। अगर आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीख ली एक बार अपने पोर्टफोलियो की और रिस्क को अपने हेज करना सीख लिया, तो ही आप स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस मार्केट को समझना आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी एक स्टॉक उठा लें, लेट्स से एंग्रो पॉलीमर आपने उठा लिया, एंग्रो पॉलीमर को फॉर एग्जाम्पल देखें, तो एंग्रो पॉलीमर का अगर मैं देखा कि यार ये मार्केट से ज्यादा वीक है, जो ज्यादा लाल हो रहा है मार्केट से, ये आप देखें एक रेंज बनाई हुई है जो मार्केट से ज्यादा वीक है रियल टाइम वैल्यू टर्म्स में, तो उसको मैं देखूंगा कि यार मार्केट से ज्यादा वीक है तो क्यों वीक है, क्यों आ रही है इसमें। तो आपको एक जर्नलिस्ट बनना है, क्यों क्यों का सवाल आप बार बार पूछें, क्यों आ रही है। तो मैं प्रॉब्ली जाके ये देखूं एंग्रो पॉलीमर के अंदर कि ये इसमें क्या हो रहा है, इसकी क्या हालात हैं अभी। एंग्रो पॉलीमर मैंने खोल लिया और एंग्रो पॉलीमर का चार्ट में लोड करता हूं आपके सामने। सही है, ये एंग्रो पॉलीमर का चार्ट लोड किया। अच्छा, अब एंग्रो पॉलीमर का चार्ट लोड करता हूं तो मैं दो चीजें तो फौरन ही देखते ही आपको बता दूं कि फ्राइडे के दिन इसने एक स्पिनिंग टॉप बनाया, मुराद ये कि स्टॉक जिस रेट पे 29.5 के स्टार्ट हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की 30 पे, तो 30 को ब्रेक नहीं कर पाया, 30 से वापस सेलर प्रेशर आया और उसने जिस रेट पे स्टार्ट हुआ था उससे थोड़ा सा नीचे बंद किया और सेलर्स भी आए इतने कि उन्होंने रेट गिराया भी 28.9 तक लेकर आए, लेकिन फिर जहां ओपन हुआ तो वहीं क्लोज हुआ और अबव एवरेज वॉल्यूम अगर आप चार्ट के ऊपर इधर सेटिंग पे जाके 20 डेज का ही सैंपल देख लें तो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम स्टॉक को ऊपर ले जाने में नाकाम हो गया। अगेन यू हैव टू इंटरप्रेट ये, इसको आप उर्दू में समझें, ये स्टॉक को ऊपर ले जाने में नाकाम हो गया और अनसर्टेनिटी की अलामत है। तो यहाँ पे मैं इस स्टॉक, अच्छा फिर मैंने देखा कि प्रिवेलिंग ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रिवेलिंग ट्रेंड चल रहा था बुल स्विंग जो चल रहा था स्टॉक के अंदर, वो बुल ट्रेंड चल रहा था शॉर्ट टर्म का ट्रेंड और वो यहाँ पे आके हॉल्ट पड़ा। फिर मैंने देखा कि पिछली बार क्या ऐसा हुआ है कि ये स्टॉक इससे पहले यहाँ के रुका है या इसको मुश्किलात का सामना आया है, तो हाँ बिल्कुल आया है भाई, ये देखें आप। और ये किस लेवल पे आके आया है, ये आया है दरअसल 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल पे आके, देखें बिल्कुल बात सही है, ये एक इसकी रेजिस्टेंस लाइन है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मुझे दो कन्फर्मेशन मिली, मैंने ये चेक किया, ये स्टैटिक इसकी रेजिस्टेंस देखी, फिर मैंने इसकी डायनामिक रेजिस्टेंस देखी मूविंग एवरेज पे, तीन चेक लग गए। अब मेरे तीन चेक लग गए, अब मैं थोड़ा सा ये इसमें चेक करता हूँ कि इसमें शॉर्ट सेल का क्या वॉल्यूम है, कि फ्यूचर्स के अंदर इसमें शॉर्ट सेल्स कितने आ रहे हैं। तो अगर मैं इसी के अंदर कंपेयर पे जाऊं, ऐड अ सिंपल करूं और इसमें मैं ईपीसीएल को शॉर्ट सेल का डेटा ढूंढूं, कि अगर मुझे शॉर्ट सेल का इसका डेटा मिलता है उसको ही चार्ट पे प्लॉट करने की कोशिश करूं। शॉर्ट सेल का डेटा देखा मैंने, ये देखते हैं कि इसको लोड करके लाते हैं, शॉर्ट सेल हो गया, गुड। तो अच्छा, अब मैं इसको ले लूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको फॉर्मेट करके मैं लाइन चार्ट पे लेकर आ जाऊं और मैं ओके कर दूं, और अगर मैं अब देखूं, अगर मैं दूसरे चार्ट देखूं, और मैं यहां से हटा दूं इसको और इस पे फोकस करूं। अच्छा, अब मैं देख रहा हूं कि इस लेवल के कॉरेस्पॉन्ड करते हुए ये जो लेवल है
फ्राइडे का और थर्सडे का इस स्टॉक के अंदर ह्यूज शॉर्ट सेल बिल्ड हुए। तो यू सी शॉर्ट सेल्स का जो इसमें जो वो है वॉल्यूम है वो बढ़ता चला गया, तो इसका मतलब है कि शॉर्ट सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। अब दो चीजें, अगर रेडी में भी वॉल्यूम सेलिंग का आ रहा है, अलामत है कि वो रेजिस्टेंस भी आ रहा है, शॉर्ट सेल ही बढ़ गया है, तो यहाँ से मैं केयरफुल हो जाऊंगा। तो इफ आई वॉन्ट टू टेक अ बाय पोजिशन इन द स्टॉक, आई जस्ट थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग दैट डिसीजन। और मैं बोलूंगा नहीं यार, ये इट लुक्स, दिस स्टॉक लुक्स हैवी टू मी, दिस स्टॉक लुक्ड वंडरफुल टू मी एट हियर। बोथ चार्टिंग के ऊपर भी देखें, अबव एवरेज वॉल्यूम आया स्टॉक के अंदर, एक बुलिश कैंडल बनी फॉलोड बाय अनदर बुलिश कैंडल, स्टॉक भी ओवरसोल्ड लेवल पे मौजूद था। तो यहाँ पे मैं टेस्टिंग बाय पोजीशन लेता, लेकिन यहाँ पे मैं बड़ा केयरफुल हो जाता फ्राइडे के दिन। और वही देखें आप मंडे के दिन, अगेन यू सॉ ह्यूज बेरिश कैंडल राइट देयर। सो ये सिर्फ छोटी सी चीजें हैं कि शॉर्ट सेल प्लॉट कर दिया मैंने, ओपन इंटरेस्ट प्लॉट कर दिया उसी चार्ट पे। कुछ चीजें हैं आपको इन्वेस्टर्स लाउंज पे मिलेंगी, बिकॉज हम खास तौर पे चार्टिंग में क्योंकि खुद इंटरेस्ट लेते हैं तो ये सब चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो बहुत सी चीजें आपको इसी प्लेटफॉर्म में। फिर मैं दूसरा सवाल ही पूछूंगा कि यार ये पिछली बार अभी यहाँ से बड़ा क्यों था, तो फिर मैं जाके देखूंगा इसकी रिपोर्ट्स के ऊपर कि क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या की फैक्टर्स हैं और यहाँ पे गिरने के लिए क्या की फैक्टर्स होंगे। सो अगेन यू हैव टू बिल्ड दिस होल थीसिस बिफोर यू एक्चुअली गेट इनटू द स्टॉक। और ये थीसिस अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय कोई साहब हैं मर्फी करके उनका कुछ नाम है। उन्होंने बड़ा ही वो, ही वॉज द स्टार फंड मैनेजर फॉर फिडेलिटी मैजेलन फंड, ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग फंड मैनेजर्स इन द वर्ल्ड। तो वो कल ही आप जब मैच देख रहे थे तो मैं वो ऑडियो बुक सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई कि आपको बहुत बड़ा एनालिस्ट होने की जरूरत नहीं है व्हेन यू वांट टू एनालाइज द मार्केट। आपको हमेशा, बिकॉज एनालिस्ट की कंस्ट्रेंट होती है कि वो इन एक सर्टन यूनिवर्स में घूमना होता है जिसकी वाइड कवरेज हो, और बहुत मुश्किल होता है कि आउट ऑफ द यूनिवर्स जाते हैं। लेकिन आप दुनिया में जब घूमते हैं, आप आसपास एनवायरनमेंट में देखते हैं, तो आपको अच्छे स्टॉक्स अपने आसपास नजर आते हैं। आपको सिर्फ सवालात पूछने अपने आप से कि यार ये कंपनी अगर इसमें ये चीजें टर्न अराउंड हो जाए तो ये क्या, कितनी ग्रो कर सकती है, इसकी अर्निंग्स क्या बढ़ सकती हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस तो कर सकते हैं ना, क्या बढ़ सकती है इसकी अर्निंग्स, क्या इसमें ग्रोथ कोई आ सकती है अर्निंग्स के अंदर, और वो अपने आप से सवालात पूछे। आप किसी भी एनालिस्ट से पहले किसी भी प्राइमरी बुल साइकिल कंपनी के अंदर खुद चले जाएंगे। अगर आपने ये बेसिक डिसिप्लिन सीख लिया तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एनालिस्ट होना है। आपको सिर्फ कॉमन सेंस होना चाहिए और आपको ये बुनियादी सवालात कंसिस्टेंटली अपने आप से पूछने चाहिए। तो अगर आप ये बुनियादी सवालात कंसिस्टेंटली अपने आप से पूछते रहेंगे तो आपके जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गेट बैक टू दिस चार्ट, अगर मैं यहाँ पे होता तो प्रॉबेबली आई वुड हैव गॉन ऑन टू टेस्ट सम शॉर्ट्स हियर। इस लेवल पे मैं थोड़े से टेस्टिंग शॉर्ट लेता अगर मैं यहाँ पे होता, इसमें मेरी पोजीशन होती तो। और यहाँ पे जब मार्केट, और मैंने देखा मंडे को गिरना शुरू हुई है तो यहाँ ये 2% आई थिंक इंट्राडे में भी डाउन था, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट्स ऐड करता और यहाँ पे जो क्लोज होता तो मैं देखता ओके गुड, ये शॉर्ट प्रॉफिट हो गया फर्स्ट स्टेज में, दो स्टेज में। तो अभी भी मैं आई वुड हैव इन्वेस्टेड प्रोबेबली 30% ऑफ माय एलोकेटेड अमाउंट टू दिस स्टॉक। तो अभी मेरे पास बहुत गुंजाइश होती है, अगर यहाँ से रिवर्सल भी होता तो मुझे, मेरे पास टाइम होता कि मैं प्रॉफिट में अपनी पोजीशंस क्लोज कर दूं। बिकॉज अगर रिवर्सल होता है यहाँ से तो वो मुझे क्या बता रहा है, कैंडल स्टिक में ये बता रही है कि यहाँ पे अगर इसमें रिवर्सल होता है कि बायर्स हैव बिकम एक्टिव अगेन, सो इट्स बेटर। यहाँ पे बायर्स को बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होना चाहिए बिकॉज एक ट्रेंड ले लिया है स्विंग का। मार्केट टोन भी देखता मैं कि मार्केट टोन कैसी हो रही है, क्या वही मार्केट टोन दोबारा बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं हो गई है। तो मैं अपने शॉर्ट्स यहाँ पे काटता क्या, मैं थोड़ा वेट करता और मैं देखता कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। अगर ये बहुत इनसिग्निफिकेंट पोर्शन होता तो प्रॉबली मैं इसमें अपने शॉर्ट्स भी नहीं काटता, इसको वहीं छोड़ देता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर यहाँ पे, और मैं डे एंड का इंतजार करता, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डे एंड का इंतजार जरूर करा करें आप जब भी शॉर्ट काटें या लॉन्ग क्लोज करें। लॉन्ग क्लोज को आप प्रॉब्ली प्रॉफिट के टारगेट्स के पे करें, लेकिन शॉर्ट्स के ऊपर बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स में इंट्राडे में एकदम मोमेंटम आता है लेकिन वो वेन पड़ जाता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप डे एंड का जरूर इंतजार करें। आई सजेस्ट CPCL। हाँ देखिए, अगेन द क्वेश्चन इज आजाद, द क्वेश्चन इज यू सजेस्ट
EPCL भी इन अ पोर्टफोलियो आइटम। अब आप मुझे ये बता दें, अगर आप ये सजेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे इसको 2019 के आगाज में, तो आप बेसिकली अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ से यहाँ तक सजेस्ट करते करते कोई 30-40% का फटका दे चुके होते, लॉस दे चुके होते। अब कीपिंग इन व्यू द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या होते हैं ये देखें ना, मैं अभी इनको थोड़ा लाइव करता हूँ आजाद भाई को। ये देखें, आई सजेस्ट EPCL भी इन अ पोर्टफोलियो आइटम एंड इसको इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। मेरे भाई यही मसला है हमारा ना, होंगे प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे फ्यूचर पे, आपको प्राइसेस क्या बता रही हैं, कम अज कम चार्ट्स तो पढ़ना सीखें। ये जो है ये क्लासिकल ट्रैप होता है कि हम ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बहुत अच्छे हैं भाई और ये मैं आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। भाई मैं जब रखना, जब ये प्राइस और वॉल्यूम एक्शन बताएगा रखने का, तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं रख लूंगा उसको, सही है ना। बहुत से स्टॉक मैं आपसे नहीं पूछूंगा, रख लूंगा। कम अज कम देखिए कीमतें खुद आपसे बातें करती हैं, आपको कीमत से बात करना आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आजाद। तो अब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के अच्छे होंगे, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपको प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस क्या बता रहा है, तो ये आपको जरूर देखना है। तो एक सबसे बड़ा मसला ये होता है हमारी जिंदगी में कि हम जो एक ट्रेडर आपसे बातें करते हैं ना कि यार ये स्टॉक को कैप लग जाएगा सर अभी ले लें, ये स्टॉक आपको फिर नहीं मिलेगा, इसमें ये स्टोरी है, इसमें वो स्टोरी है, आप बोले यार तू ले ले 2 लाख स्टॉक, यही खरीद ले अपने लिए और अपना जिंदगी अच्छी बना ले। अरे भाई जब आपका ट्रेडर अगर इतना ही अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर होता तो आप उसको आपको कॉलें कर करके 3 स्टॉक चिपकाने की जरूरत नहीं होती उसको, वो कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहा होता और आपसे ज्यादा पैसा बना रहा होता। अब जब मैंने ये ट्रेडिंग की है, मैंने लॉसेस उठाए और मैंने खुद लर्न किया है, तो अब मैंने आपको समझा रहा हूँ कि भाई मैं ये ऐसे करता हूँ ट्रेडिंग। ये चीजें जो कि क्लासिकल प्रॉब्लम होती हैं, जो कि आपको आपका ट्रेडर बहकाता है या आपको लोगों को खुद नहीं पता होता। पिछले 1.5 महीने में कोई 16-17 किताबें खत्म कर चुका हूँ मैं सिर्फ इसी चीजों को पकड़ने के लिए जो आजाद भाई ने आपको बताई है कि आई सजेस्ट इट शुड बी अ पोर्टफोलियो। यहाँ से ये 200% बढ़ जाए मेरी बला से, ये स्टॉक को मैं यहाँ पे टेस्टिंग शॉट लूंगा, दैट इज व्हाट वी कॉल डिसिप्लिन। बढ़ जाए मेरे 200%, मुझे पता है कि जहां पे ये मेरा लॉस जो इसके ऊपर शॉर्ट्स के ऊपर अगर 5% पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा शॉर्ट कट जाएगा और मैं 5% लॉस बुक करके अपने छोटे से पोर्टफोलियो का बाहर आ जाऊंगा, मुझे परवाह नहीं है यहाँ से। लेकिन मैं इस तरह के बायसनेस का शिकार नहीं हूंगा कभी भी। तो ये भी आपको हमेशा देखना है कि स्टॉक्स इज वेरी रिस्की एसेट क्लास, आपको इन तरह के बायसनेस से हट के ऑब्जेक्टिवली देखना है। अच्छा होगा तो दिखेगा वो प्राइस वॉल्यूम एक्शन में, अगर अच्छा नहीं होगा तो भी दिखेगा। अगर मार्केट, बहुत दफा ऐसा होता है, ये मर्फी की किताब में मैंने ऑडियो बुक में ही सुना, आपको याद आ गया आपको प्रोग्राम के बीच में, कि एक अच्छा स्टॉक एक गलत वक्त पे और एक गलत कीमत पे अगर आपने खरीद लिया तो आप मर गए। दोबारा बोल रहा हूँ, अच्छा स्टॉक गलत वक्त पे गलत कीमत पे खरीदना सुसाइड है। तो स्टॉक अच्छा होगा, वक्त गलत है, कीमत गलत है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस या बेसिक डेटा को समझना जरूरी है आपके लिए कि आप इन 3 चीजों पे जरूर फोकस करें कि अच्छा स्टॉक को अच्छे वक्त पे अच्छी कीमत पे खरीदें, सही है, और उसको गलत वक्त पे गलत कीमत पे ना खरीदें। तो अगर ये स्टॉक अच्छा होगा तो ये मुझे इस कीमत में प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस बोल रहा है कि हाँ भाई अच्छा होगा, मैं फिर जाके रिपोर्ट्स पढ़ूंगा और देखूंगा कि उसमें क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। आई थिंक दैट सम्स अप आवर शो, इंशाल्लाह कल भी शो करेंगे। नाजीन यू कैन शेयर द शो इन योर नेटवर्क, यू माइट गेट अ चांस टू विन 1 month फ्री मेंबरशिप ऑफ इन्वेस्टर्स लाउंज, एंड कीप वॉचिंग द शो, कीप शेयरिंग द शो, इट्स प्योरली एन इन्वेस्टर एजुकेशन शो। कोशिश करता हूँ कि जो एक्शन मैं लेता हूँ वो उसको वैलिडेट कराऊँ। अगले कुछ शोज में मैं कुछ अच्छे ट्रेडर्स को भी दिखाऊंगा जो कि इन्होंने अच्छे रिटर्न बना के, छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, बहुत एजुकेटेड नहीं है लेकिन बहुत डिसिप्लिन है, वो कंसिस्टेंट रिटर्न बना के उन्होंने एक अच्छी वेल्थ बिल्ड की है, तो आप उनसे भी लर्न करें। बिकॉज देखिए आप में से भी कुछ लोग होंगे ऐसे चंद जो कि अच्छे ट्रेडर बनेंगे और बाकी इमोशनल रह जाएंगे, तो कोई ना कोई जो बनना चाहता होगा उनके लिए मैं करता हूँ ये शो, ताकि आप अपनी फैमिली की और अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करें और रिस्क मैनेज करके मार्केट में चलें। दैट सम्स अप आवर शो नाज़रीन, डू शेयर द प्रोग्राम, विल इंशाल्लाह ट्राई एंड मीट। कोशिश करूँ मैं कल अराउंड 9 बजे वापस मैं प्रोग्राम करूँ इसके ऊपर, तो आप हमें 9 बजे दोबारा अराउंड 9 बजे के टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा रिकनेक्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।